तो प्यारे बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो नीट हो या JEE हो, इवन MHCET हो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स आता है और कॉम्पिटिटिव में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पे इस चैप्टर को मैं 2 घंटा या उससे कम टाइम में पूरा चैप्टर डिटेल में कंप्लीट करने वाला हूँ। यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा वन शॉट है। क्या है? वन शॉट। ठीक। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है और इस चैप्टर में डील क्या करना है और पढ़ना क्यों है। अगर किसी चैप्टर को हम डील कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम है कि उसको पढ़ना क्यों है, तो मज़ा नहीं आता है। अपने को टेस्ट के साथ पढ़ना और काम भी हो जाए, कॉम्पिटिटिव भी निकल जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, समझ भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज मीन्ट बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है, जैसे नमक पानी को मिला दो, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, होता है ना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जो दो चीज से मिलकर बनाओ, है ना, ऐसा सब्सटेंस विच इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस से बने, जो मिक्स होकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं भाई, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या? जिसके अंदर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब हम मिक्स कर देते हैं, जैसे नमक पानी को हमने मिक्स कर दिया, तो उसका जो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि ऊपर का एक चम्मच पानी टेस्ट करोगे, सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दिया आपने पूरी तरीके से, अब ऊपर का एक चम्मच टेस्ट करो और फिर नीचे के पानी को एक चम्मच टेस्ट करो, टेस्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब नमक पानी में पूरी तरह डिजोल्व हो चुका है, या आप ऐसे समझ लो कि जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, पूरी तरह डिजोल्व हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या? जहां पे कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स मतलब वो जिससे वो बने हैं, जहां पे कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस। यानी कि वो डिजोल्व हो जाते हैं पूरी तरह। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, एग्जाम्पल सुगर एंड वाटर, है ना, जो भी डिजोल्व हो जाए पूरी तरीके से। क्लियर है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जो डिजोल्व ना हो, या जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म नहीं हो, जिससे वो बने उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो, बराबर नहीं हो। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, मिट्टी पानी। अब मिट्टी और पानी मिक्स करोगे तो मिट्टी तो नीचे जम जाएगा, पूरी तरह डिजोल्व भी नहीं हुआ, और मिट्टी पानी में हर जगह मिट्टी पानी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर मिट्टी है ही नहीं है, नीचे मिट्टी है, नीचे के स्पून में है कि नहीं। तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वही है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो क्या होगी डेफिनेशन सॉल्यूशन की? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मोर कंपोनेंट्स का तो जिससे वो बना। अब वो कंपोनेंट दो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बाइनरी कंपोनेंट है। हमारे सिलेबस में क्या है बच्चा? बाइनरी कंपोनेंट। बाइनरी कंपोनेंट का मतलब क्या? सिर्फ दो कंपोनेंट हमको जानने, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हो, वो बाइनरी कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है सॉल्यूट, सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट दो रहेगा और सॉल्वेंट एक, तो तीन हो गए, है ना। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। लेकिन हमको कितने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं? 2 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो भाई सॉल्यूट का मतलब ऐसे समझो जिसको मिलाते हैं, और सॉल्वेंट का मतलब जिसमें मिलाते हैं। नमक सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट, सही है। सुगर सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। अल्कोहल सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। ये बात क्लियर है? तो जिसको मिलाते हैं सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हैं सॉल्वेंट। लेकिन हमेशा ये सही नहीं है, गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप उल्टा कर दो, मान लो नमक में पानी मिला रहे हो, नमक में पानी मिला रहे हो, किसको मिला रहे हो? पानी को। तो पानी सॉल्यूट और नमक सॉल्वेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए ऐसे नहीं याद रखिए। सबसे आसान तरीका, जिसका अमाउंट कम हो वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा हो सॉल्वेंट। जो कम हो सॉल्यूट, जो ज्यादा हो सॉल्वेंट। जैसे मैं बोल रहा हूं 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर, तो 20 ग्राम सॉल्ट कम कौन है? सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर, क्योंकि 100 ग्राम है कि नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं 100 ml अल्कोहल इन
200 ml वाटर, बताओ सॉल्यूट कौन है? अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा, कभी कन्फ्यूज नहीं होगे। और दूसरी बात, हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर दो चीज़ें कभी भी दिख जाए, जैसे अल्कोहल वाटर दिख गया, ठीक है, या इसके अलावा वाटर के साथ कोई दूसरा लिक्विड ले लो, ठीक है, तो कोई भी लिक्विड आपको वाटर के साथ दिख जाए तो आपको वाटर को सॉल्वेंट मानना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। इवन वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। वाटर को क्या माना गया बेटा जी? पूरी दुनिया ने इसको सॉल्वेंट मान लिया है। अगर किसी भी चीज़ के साथ पानी है, एसिड के साथ पानी है, या अल्कोहल के साथ पानी है, या कोई बेसिक सॉल्यूशन के साथ पानी है, तो पानी हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। हमेशा बोलना बेहतर नहीं है, ज़्यादातर पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अगर किसी दूसरे सॉल्यूशन से पानी का अमाउंट कम है, कोई दूसरा लिक्विड है और पानी कम है, तो पानी जो कम है वो सॉल्यूट बन जाएगा, लेकिन अक्सर पानी ज़्यादा ही होता है ना। एसिड और वाटर भी मिलाते हैं तो एसिड कम रहता है, पानी ज़्यादा रहता है ना, डाइल्यूट करते हैं एसिड को हम लोग, तो एसिड कम रहता है सॉल्यूट, और वाटर क्या होता है? ज़्यादा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसिड थोक के वहाँ में मिला दो और वाटर बहुत कम मिला, ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनाते। तो मेनली सॉल्यूशन ऐसा रहता है जहाँ सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये था सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए। बराबर ये बात क्लियर है? सॉल्यूशन, ठीक। अब इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली चीज, हमारा बॉडी फ्लूड, हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला फ्लूड जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बॉडी फ्लूड एक ब्लडी एग्जांपल ले लो, है ना, और भी बहुत सारे फ्लूड है हमारे बॉडी में, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो इसके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते। एंड दैट फ्लूड्स आर सॉल्यूशन। वो फ्लूड क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर हम रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? सॉल्यूशन। यूरिया वाटर, हमारा जो यूरिन है पेशाब, उसके अंदर यूरिया वाटर है, क्या है? सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सॉल्यूशन हर जगह है, इवन केमिकल लैब्स में बहुत सारी चीज़ें क्या है? सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन को पढ़ इसलिए रहे हैं कि सॉल्यूशन के बारे में चीज़ें जानेंगे, कि भाई सॉल्यूशन को किस में मेजर किया जाए। जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, वो कितना ग्राम है? जो पानी ले रहे हैं वो कितना ml है? समझ में आ रहा है? तो कितना नमक कितने पानी में मिक्स है, इसको जानने के लिए देखो, कभी आप सैनिटाइजर खरीद रहे हो, सैनिटाइजर, या कोई लिक्विड खरीद रहे हो मार्केट से, या कोई मेडिसिन खरीद रहे हो सॉल्यूशन, या कोई टॉनिक खरीद रहे हो, है ना, देखो ना, कफ के लिए टॉनिक खरीदते हैं लोग, तो टॉनिक में देखना लिखा रहेगा परसेंटेज वेट 20 इथेनॉल 2% बाय वेट, इथेनॉल 2% बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा रहता है, कभी चेक करना। इसका मतलब ये होता है कि 100 ml पानी में 2 ml अल्कोहल मिला हुआ है। जो आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हो, परफ्यूम में देखो लिखा होगा 5% बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर गैस जो है तुम्हारा, उसके अंदर गैस, मान लो गैस में लिक्विड अगर मिक्स किया हुआ है, तो उसके अंदर गैस अगर आप ले लीजिए, मान लो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के अंदर 5% का मतलब क्या हो गया? 5 ml, 5 ml क्या है तुम्हारा? अल्कोहल है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ का अमाउंट किस फॉर्म में निकालना है, उसके लिए हमको ये पढ़ना ज़रूरी है। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? अरे उस परफ्यूम के अंदर अल्कोहल कितना है, उस परफ्यूम के अंदर कलर कितना है, उस सैनिटाइजर के अंदर कलर कितना है, अल्कोहल कितना है, या दूसरी कोई मेडिसिन या दूसरा कोई कंपाउंड कितना है। देखो स्टिंग पीते हो, स्टिंग अभी बहुत पॉपुलर है, अब स्टिंग में सुक्रालोज कितना है, तो वहाँ पर लिखा रहता है इतना परसेंट बाई वेट, बाई वेट मतलब इतना ग्राम 100 ग्राम में, बाई वॉल्यूम मतलब इतना ml 100 ml में, अरे वॉल्यूम मतलब ml, वेट मतलब ग्राम में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको और अच्छे से जानने के लिए एक टर्म है मोलैरिटी, दूसरा टर्म है मोलैलिटी, तीसरा टर्म है नॉर्मैलिटी, और उसके बारे में जानने के लिए मोल फ्रैक्शन, और भी ये सब टर्म्स हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट में। ये सॉल्यूशन, अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। या मान लो आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर एनर्जी ड्रिंक मिक्स किया और वाटर है, तो कितना एनर्जी ड्रिंक मिक्स किया है और कितना वाटर है, कैसे निकालोगे आप? अरे भाई कितना ग्राम एनर्जी ड्रिंक लिया और कितना ml वाटर लिया, वही क्या सॉल्यूशन दोनों के मिक्सचर। तो इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए
हमको उसके टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, साथ में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया ना, रियल लाइफ में क्यों जानना है इसको, ताकि हम उसका कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकें। साथ में देखेंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का हमको मतलब लगता है कि भाई सॉलिड में लिक्विड मिला दे या लिक्विड में लिक्विड मिला दे, जैसे नमक पानी, चीनी पानी, अल्कोहल पानी, यही होता है सॉल्यूशन, हमको इतना लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, गैस लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, किसी का भी पॉसिबल है सॉल्यूशन। बस क्या होना चाहिए, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाने चाहिए। सॉल्यूड और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाने चाहिए, अच्छी तरीके से दोनों आपस में घुल जाने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मतलब कभी भी मत समझना लिक्विड ही होना चाहिए। मेरे लिए क्या लगता है सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड, भाई साहब एयर भी सॉल्यूशन है, एयर जबकि गैस है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, अब गैस गैस का सॉल्यूशन है वो। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड या फ्लूइड नहीं होता है, सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर जो आपस में घुल जाए अच्छी तरीके से, आपस में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली। बराबर बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉलिड सॉलिड में भी घुल सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी घुल सकता है। तो देखो एकदम आसान तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना, सॉल्यूट लिखना सॉल्वेंट, सॉल्यूट मतलब जो कम हो, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा हो। ये क्या है भाई, कम, ये क्या है, ज्यादा, सही है। अभी देखो ये पूरा सॉल्यूट, क्या करना, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, देखो ऐसे नौ टाइप के बनते हैं सॉल्यूशन, एकदम आसान। देखो क्या करना, बोलो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, अब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, अरे वाह वाह, देखो ना सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, अपने आप नौ बन गया ना, अरे नौ बन गया ना, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, आसान है भाई, सीक्वेंस बना लो खेल का। अब एग्जांपल सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल टेंथ में पढ़े हो, एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, या तो दो मेटल, या मेटल नॉन मेटल, या मेटल मेटल से बना होगा, या मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना होगा। दो मेटल का एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रास क्या है भाई, कॉपर एंड जिंक। यहां पे मैंने लिखा है एलॉय, जैसे एग्जांपल ले लो आप ब्रास, ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं पूरा, कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ब्रास सबको पता है ना। उसी तरह ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन, टिन, टिन को एसएन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम है स्टैनम, क्या नाम है, स्टैनम, इसलिए टिन लिखते हैं। तो कॉपर एंड टिन सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो गया ना, अरे सॉल्यूशन का मतलब क्या, मिक्सचर, तो सॉलिड सॉलिड का भी पॉसिबल है, यस। एग्जांपल देखा भी आपने एलॉय, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मेटल भी आता है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज है ना, उसमें टिन मिला होता है, डायमंड, डायमंड का मेटल तो मैंने नहीं देखा है, गेम वगैरह में मिलता है, लेकिन समझ में आया। खैर अभी ये सॉलिड सॉलिड का, अब सॉलिड लिक्विड का हर कोई जानता है, सॉलिड कम और लिक्विड ज़्यादा, नमक पानी, चीनी पानी है ना भाई, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, शुगर वाटर का मिक्सचर, लो और लिख लो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर, रटना नहीं है जो किताब में वही नहीं लिखना है, समझ के करना है। अभी देखो सॉलिड गैस, गैस ज़्यादा और सॉलिड कम, तो अब देखो यहाँ पे ये सॉलिड और गैस का एग्जांपल है, जहाँ पे सॉलिड कम है और गैस ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूँ, आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ देखो, फिर कल बाहर आई आंटी जो ग्रुप 17 है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, या फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, जो बोल लो, या फर्स्ट क्लास बड़ी आई एट्रिना, कैटरीना की बहन, ठीक है, जो भी बोल लो, जैसे भी याद कर लो, ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस ना, ये लिक्विड, ये लिक्विड और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होते हैं, आयोडीन क्या होता है हमारा, सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो ना नमक में आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक खाओ, बाय द वे मैंने पाकिस्तानी नमक जो है वो वाला जिसमें आयोडीन नेचुरली होता है मैंने ले लिया, ठीक है, टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा है कि नहीं, कम अमाउंट में डालोगे तो अच्छा खासा होगा। उस दिन देखो मैंने चिकन कुक किया है, उसमें वही मैंने मिक्स किया था, दैट वॉज ऑसम बाय द वे,
ठीक है, आप लोग भी यूज करें, आयोडीन उसमें ज्यादा है कि नहीं? एडवर्टाइज नहीं कर रहा, नहीं बेटा मैं नहीं मंगाऊंगा, सबके लिए मांगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ भाई? आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आयोडीन की एक खास बात होती है ना, वो एयर में मिक्स हो जाता है पूरी तरह, पाउडर फॉर्म में होता है, वो एयर में पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो आयोडीन इन एयर किसका एग्जाम्पल है भाई? सॉलिड और गैस का, यहाँ पे गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है। अब सॉलिड का पूरा कहानी खत्म हो गया, पूरा सॉलिड 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 लिया, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, अब लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 और लिक्विड गैस। तो लिक्विड सॉलिड यानी कि सॉलिड अब ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड कम, अब क्या होना चाहिए? सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम, देखो सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, जैसे सिल्वर अमलगम है, जो ये मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी मर्क्यूरी सबने देखा है थर्मोमीटर में होता है लिक्विड फॉर्म में, वो मर्क्यूरी को हम लोग एच जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका रियल नाम है हाइड्रागायरम। क्या रियल नाम है? हाइड्रागायरम। अब ये जो मर्क्यूरी है, इस मर्क्यूरी में हम लोग सिल्वर ऐड करते हैं, कभी भी मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल ऐड कर दो तो उसका नाम पड़ जाता है अमलगम। क्या पड़ जाता है? अमलगम, सोडियम अमलगम, सिल्वर अमलगम। अगर मर्क्यूरी के साथ कोई मेटल को हम लोग साथ में सॉल्यूशन बना देते तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अमलगम। याद रहेगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सिल्वर। तो देखो यहाँ पे लिक्विड क्या है तुम्हारा? कम है, और सॉलिड क्या है? ज्यादा है। यानी कि जो मर्क्यूरी है वो कम है और जो तुम्हारा सिल्वर है वो ज्यादा है, और दोनों मिलकर क्या बन गए? सिल्वर अमलगम, सिल्वर अमलगम। ऐसे लिखते हैं, जैसे NaHg सोडियम अमलगम, AgHg सिल्वर अमलगम। अरे वाह वाह, इसको लिखते भी ऐसे। सुनना है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो हर चीज का सॉल्यूशन पॉसिबल है भाई साहब। अब देखो लिक्विड लिक्विड पूरी दुनिया जानती है ना, क्या? हाँ, अल्कोहल वाटर, एक लिक्विड कम और एक लिक्विड ज्यादा। तो जानते हो कि अल्कोहल में हम या तो पानी मिलाते हैं या तो पानी में अल्कोहल मिलाते हैं, जो भी है कि नहीं? मूवी वगैरह में देखते हो एकदम सोडा है कि नहीं, आइस। उसके बाद लिक्विड गैस, अब गैस ज्यादा और लिक्विड कम, गैस ज्यादा और लिक्विड कम। तो क्लोरोफॉर्म जो लिक्विड है जिसको स्मेल कराने के बाद है कि नहीं, आदमी किडनैप हो जाता है, किडनैपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर देते तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है और क्लोरोफॉर्म कम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो लिक्विड 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 में सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, अब गैस 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 सॉलिड लिक्विड गैस, अब गैस कम सॉलिड ज्यादा, गैस कम सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट है ना, सॉलिड ज्यादा। तो गैस कम, आपको मैं पढ़ाऊंगा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर पढ़ाऊंगा मैं शी, वो वाली वो नहीं, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वहां मैं पढ़ाऊंगा कि प्लेटिनम पे या पैलेडियम पे जो प्लेट होता है उसके ऊपर H2O जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, या हाइड्रोजन भी जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो क्या हो गया तुम्हारा? गैस इन सॉलिड हो गया ना। अरे प्लेटिनम पैलेडियम, प्लेटिनम तो मालूम है ना, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के प्लेट पे क्या हो गया? गैस जमा हो गया, कौन सा? हाइड्रोजन गैस, या H2O वेपर फॉर्म में। समझ आया? तो हाइड्रोजन गैस वहां पे जमा हो गया, तो क्या इसका एग्जांपल हो गया? वो गैस इन सॉलिड, अब गैस इन लिक्विड, अब लिक्विड ज्यादा गैस कम। बहुत अच्छे से जानते हो भाई, किधर गया वो बॉटल? वहां पे जो था स्टिंग वाला, नहीं है क्या? जाने दो, ये बॉटल देख लो, मान लो अज्यूम कर लो कि ये कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला या जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे इसका ढक्कन करते हो क्या फिज या इफेवसेंस, अलग अलग साउंड होता है, हर जान पप, सबका अलग साउंड होता है, कोई पप बोलता है, कोई फिस बोलता है, सबका अलग साउंड होता है। तो ये फिज साउंड से क्या होता है? निकलता है बाहर, क्या निकलता है बाहर? CO2 गैस, CO2 गैस के अंदर मिक्स होता है। तो लिक्विड के अंदर क्या मिक्स है? गैस, सब लोग जानते हैं, यही पे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, बहुत मजा आएगा, है ना? ठीक, अब गैस और गैस, गैस और सबसे पहले ये बताया मैंने, एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो भाई साहब नॉर्मली अपने को लगता है सॉल्यूशन का मतलब या तो नमक को पानी मिला दो या तो अल्कोहल को पानी मिला दो, सॉलिड लिक्विड 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 का पक्का लगता है कि नहीं लगता है? बचपन में पहले लगता था, अब समझ में आ गया नहीं भाई, नौ टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस,
समझ में आ गया? अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमने ये समझा कि सॉल्यूशन क्या है और कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो भाई साहब पहले यहां पे पढ़ना है हमको उस सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेंगे थोड़े से कि भाई किस में मेजर करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला अभी परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वॉल्यूम, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा सॉल्युबिलिटी के बारे में कि कोई भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलनशीलता, कितना घुल सकता है, उसकी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी। वहां पे हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ को, उसके फैक्टर्स जब पढ़ेंगे हम लोग किस पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे वीपी प्रेशर, क्या सब बताऊंगा। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यहां पे क्या पढ़ेंगे, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी प्रेशर, उसके बाद ईवीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पे हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आरओ केंट जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एडवर्टाइज आप लोगों के लिए एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मुझे केंट वालों ने पैसा नहीं दिया, जानता भी नहीं होगा वो तो मुझे। ढक्कन किधर गया, देखो जाने दो, निकालो उसको, समझ में आया। तो क्या बात कर रहा था, केंट जो देता है सबसे शुद्ध पानी, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे कि आरओ काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था पहले फिर इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर और चैप्टर निकल जाएगा फिर ऐसे मजाक मजाक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बता देता हूँ। किसको? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये वाला पार्ट इरेज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब किसी का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक। एक जो होता है वो होता है वॉल्यूम डिपेंडेंट, और एक जो होता है मास, बाई मास, एक बाई वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम्स के फॉर्म में निकालो या तो मास के फॉर्म में निकालो, दो तरीका है। याद रखना नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा नहीं है, एक सवाल आया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट, समझो। देखो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जबकि ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। एग्जाम्पल मैंने कई बार बात भी की है कि मान लीजिए ये जो हॉल है हमारा, इस हॉल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी इस हॉल का टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस होगा ना, ठंडी में हम लोग, ठीक है। तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तुम्हारे बॉडी से 37 निकल रहा है, एसी का टेम्परेचर 18 है, तो मे बी 20 मान लो, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, एसी तो रिलीज कर रहा है 18 वो कर रहा है ना इक्वल, 20 मान लो। चलो तो हमारे रूम का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब बताओ उधर 10 है तो 10 हो जाएगा ना, अरे दो पार्ट में कर दिया तो 20 10 10 हो जाएगा, नहीं बेवकूफ, बिल्कुल नहीं होगा, रूम का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्यों आधा हो जाएगा। अच्छा इधर एसी रहेगा उधर नहीं रहेगा, दोनों तरफ है भैया टेम्परेचर मेंटेन है वो। चलो एसी को दो मिनट के लिए हटा दो भाई, है कि इसको ऐसा लग रहा है कि एसी यहाँ पे तो वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे नहीं होगा, कभी बटेगा नहीं। मान लो एसी नहीं रहता, फिर दो पार्ट में बांट दो तो टेम्परेचर अलग अलग हो जाता, अरे हर रूम का टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, चाहे दो पार्ट में बांटो चार पार्ट में बांटो, समझ में आया। लेकिन अगर वॉल्यूम कोई एक लीटर पानी है, ये एक लीटर पानी है, एक लीटर इसके अंदर पानी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये किसका स्नेहा का बॉटल है क्या, बहुत पॉपुलर हो रहा है तुम्हारा यूट्यूब पे, जो भी लोग देखेंगे वो स्नेहा का बॉटल है, याद कर लेना, ठीक है। बाय द वे तो इसके अंदर एक लीटर अगर पानी है, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक लीटर पानी अगर है और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या वॉल्यूम कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो जगह छेक रहा था वो अब उतना जगह नहीं छेकेगा क्योंकि गैस बन जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, तो वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास बढ़ता है क्या, नहीं, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, और ये मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो कौन कौन से टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, पहला ले लो आप परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं परसेंट वी बाय वी, परसेंट
वी वाई वी। और यहाँ पे जैसे इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है कि भाई जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट उसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट लिया है भाई आपने, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। ये पूरा मान लो एक लीटर का सॉल्यूशन है अगर, तो उस एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना एनर्जेटिक मिला है या कितना नमक मिला है, तो उसको हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। और परसेंट ऑफ इनटू 100, तो क्या लिखूंगा मैं, परसेंट वी बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आया समझ में? इसे मान लीजिए मैंने 20 ग्राम लिया नमक और मैंने उसको 100 सर दोनों वॉल्यूम लेना है ना, तो कोई लिक्विड ले लो, वॉल्यूम है ना तो कोई लिक्विड ले लो, अल्कोहल इन वाटर ले लो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया अल्कोहल 20 ml और 100 ml सॉल्यूशन में, तो कितना परसेंट है ये, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 कट जाएगा, 20%। तो अगर लिखा है 20% बाई मास, तो समझ जाना जो पूरा एक लीटर का है उस एक लीटर के अंदर 20 ml क्या है, अल्कोहल है, और 100 ml का पूरा पूरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20 ml क्या है, अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया? तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उसी तरह यहाँ पे देखो मास है तो परसेंटेज बाय बोलो मास, मास बोलो या परसेंटेज बाय वेट भी बोलो, ठीक है। तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिखते हैं और परसेंट एम बाई एम भी लिखते हैं, मास बोलो या वेट बोलो, फिजिक्स नहीं है कि मास और वेट में फर्क है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दोनों को सेम माना गया है, ठीक है। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से मास और वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीज़ है, मास वॉल्यूम बोल रहा हूँ, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ है ना। वेट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81 जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, स्मॉल जी। खैर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, परसेंटेज एम बाई एम बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, समझ आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं 20 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर या 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम का है और उसमें 20 ग्राम ये है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 20%। फिर समझ में आ रहा है? उसी तरह ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया बेटा। उसी तरह हमारा दूसरा ले लो, यहाँ पे आ जाएगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यानी कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, क्या लिखूंगा उसको मैं, डब्ल्यू बाय वी, वेट का डब्ल्यू और वॉल्यूम का वी। तो ऊपर क्या जाएगा बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा क्या लेंगे, सॉल्यूशन इनटू, सही है, ठीक। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा मोलालिटी, क्या होगा मोलालिटी, मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन पहले ले लो, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में लगने वाला है भाई, क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको हम लोग x से दिखाते हैं, इसका एक्चुअली जीटा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल टू मोल रेशियो, यानी कि अभी हम मास नहीं ले रहे सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का, अभी हम ले रहे हैं सॉल्यूट के कितने मोल है, सॉल्यूट के कितने मोल है। अगर मुझे निकालना है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको बता दूं मैं, सॉल्यूट को हम लोग बी से लिखते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ए से लिखते हैं, ए से लिखते क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा वो ए, जो कम वो बी, ठीक है। तो अगर मैं मान लो सॉल्यूट का निकालना हो कि कितना सॉल्यूट है उसके अंदर, मान लो नमक और पानी का मिक्सचर है, तो नमक के कितने मोल हैं, तो बताओ कैसे निकलेगा कि नमक का कितना मोल है, वो कैसे निकलेगा उसका मोल। तो भाई मोल कितना है नमक का, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ दोनों का। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मोल्स टू मोल, रेशियो ऑफ मोल्स टू मोल, मोल टू मोल या मोल्स टू मोल्स, मोल और मोल का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो अब जैसे मैंने सॉल्ट के कितने मोल लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का हमने मोल लिया है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन टोटल उसका कितना मोल है और उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मान लो मुझे ए का निकालना हो,
सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे कि भाई उसके अंदर सॉल्वेंट का कितना मोल है और टोटल कितना मोल है, ठीक है। और हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, उसी तरह यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सही है। ये मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन का तो समझ में आया, अभी जो मान लो मैं इसके अंदर एनर्जी ड्रिंक या नमक मिला रहा हूँ, वो नमक के कितने मोल हैं टोटल मोल में से, जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का टोटल मोल निकाला गया और इसके अंदर नमक के कितने मोल हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। समझ में आया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, यानी कि डेसिमल में आती है। यानी कि याद रखना एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होगी, हमेशा वन से छोटी होगी, और एक्स ए की भी वैल्यू हमेशा वन से छोटी होगी। वन से छोटी होने का मतलब क्या, वन से छोटी और जीरो से बड़ी, जीरो नहीं होगा। यानी कि एक्स ए एंड एक्स बी जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू वन नहीं हो सकती, दोनों के बीच में हो सकती है। तो क्या हो सकता है, जीरो डेसिमल वन हो सकता है, जीरो डेसिमल टू हो सकता है, जीरो डेसिमल थ्री हो सकता है, जीरो डेसिमल फोर हो सकता है, जीरो डेसिमल फाइव हो सकता है, सिक्स सेवन एट नाइन भी हो सकता है। लेकिन याद रखना एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज वन। लेकिन जब इनकी वैल्यू को, एक्स ए की जो वैल्यू आएगी, एक्स ए की और एक्स बी की दोनों के फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, वन। इसलिए बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वैल्यू फ्रैक्शन में आता है और वो रेशियो किसका है, मोल टू मोल, मोल टू मोल, है ना, मोल्स और मोल्स का रेशियो, किसके किसके मोल्स का, जिसका आपको निकालना है। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल अपन टोटल मोल, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल अपन टोटल मोल। एकदम एग्जाम्पल हम सीधी सी बात समझो, मान लो आपको 10 में से मिला है 4 मार्क, तो आप क्या लिखोगे, 10 बाई 4, हाँ नहीं 4 बाई 10 लिखोगे, है ना, 4 बाई 10, 4 बाई 10 क्या आएगा, 0.4। तो आपसे पूछूंगा कितना परसेंट आया, तो क्या बोलोगे 0.4, नहीं 200 ना, मतलब 40% आया। समझ में आ रहा है, तो यहां पे देखो, यहां पे परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, यहां पे परसेंट निकाल रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वाले में फ्रैक्शन बोल दिया है, मतलब भाई 100 से मल्टीप्लाई मत करो, फ्रैक्शन बताओ आप, तो हमेशा वैल्यू एक से छोटा ही आएगा ना, देखना 0.4। अरे फ्रैक्शन आपको बताना है ना, कितना आया भाई, चलो एक को 9 आ गया भाई, चलो 9 आ गया, तो 0.9 है ना, परसेंट में तो इंटू 100 करेंगे। समझ में आया, तो एक नहीं हो सकता क्योंकि दो चीज से मिलकर बनी, तो एक कैसे हो सकता है। अरे दो लोगों का मार्क है, दो लोगों का मार्क मिलकर 10 है, तो अकेले का एक का 10, एक का 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि तो अगर एक का 0 है तो वो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, तो दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों से मिलकर बना है तो दोनों होना चाहिए ना, अगर एक 0.9 है तो दूसरा 0.1 होगा। इसीलिए मोल फ्रैक्शन तक क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लियर करते हैं, उतना वक्त नहीं रहेगा क्लियर करने में, ठीक है। यहाँ पे कितने मिनट हो गए चेक करो जरा, उसके हिसाब से फिर चलूँगा, 33, चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। क्या क्लियर हुआ भाई, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पे थर्ड होगा मोलारिटी, याद रखना ये इस चैप्टर में लगेगा, मोल फ्रैक्शन। अब मोलारिटी, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम ले रहा हूँ, एक लीटर पानी है, एक लीटर पानी के अंदर कितना मोल नमक मिला हुआ है, कितना मोल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसको बोल देते हैं मोलारिटी। अलग अलग नाम रखा गया यार, मोलारिटी और वही है सॉल्युबिलिटी जो पढ़ेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला, कितने मोल हैं एक लीटर पानी में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी। अगर मान लो एक मोल है, बेटा जी यहाँ ध्यान दीजिए, मैं तो आउट कर दूंगा, ठीक है। कितने मोल हैं एक लीटर पानी में, अगर मान लो एक मोल है एक लीटर में, तो वन बाई वन, तो क्या आंसर आया, वन मोलर, उसको बोलेंगे वन मोलर, कैपिटल एम, वन कैपिटल एम, वन मोलर, मतलब क्या, एक मोल मिला हुआ है नमक का एक लीटर पानी में।
और याद रखना मोलारिटी में जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में लेना है, किसमें लेना है, लीटर में। तो एक लीटर पानी में, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, क्या बोलते हैं उसको, मोलारिटी। क्लियर हुआ? तो क्या बोलूंगा मैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, याद रहेगा। अब यहां पे मोलालिटी, इस साइड क्या आएगा भाई, मोलालिटी, क्या आएगा, मोलालिटी, मोलालिटी, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, याद रखना इसकी यूनिट होगी बेटा नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स, और ये लीटर, मोल्स पर लीटर, क्या यूनिट होगी, मोल्स पर लीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, क्या बोलते हैं, मोलर, रॉ, आर फॉर राफे वाला रॉ, मोलर, ठीक है, मोलर कैपिटल एम। अब यहां पे देखो मोलालिटी, मोलालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसको सॉल्वेंट के टर्म में हम लोग रिलेट करते हैं, बाकी सब के नीचे देखो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां भी देखो सॉल्यूशन, यहां भी देखो सॉल्यूशन, और यहां भी देखो सॉल्यूशन, लेकिन इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, यानी कि वजन ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद रखना यहां पे किस में लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट को लेते हैं केजी में, यहां पे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, उसका क्या नाम रख दिया गया, मोलालिटी, ये रीटी वो लीटी, रीटी लीटी, दोनों में फर्क है। तो देखो इसका यूनिट मोल और इसका केजी, मोल पर केजी, इसी को बोलते हैं हम लोग मोलल, लॉ वो रॉ था राफे वाला रॉ, और ये मोलल एल, ठीक है, लंग्स वाला एल, लंग्स, मोलल, और इसी को हम लोग स्मॉल एम से दिखते हैं, स्मॉल एम मोलल और कैपिटल एम मोलर, कैपिटल एम मोलर और स्मॉल एम मोलल, मोलर मोलल। अब ये दोनों भी बहुत ज्यादा चैप्टर में लगने वाला है, ये चैप्टर में लगने वाला है, समझ में आ रहा है। यहां पे एक और टर्म है नॉर्मेलिटी, आप लोग गेस कर रहे हो यहां पे सब में नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम आएगा। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको इग्नोर करो, नॉर्मेलिटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, क्योंकि मुझे 2 आवर्स में पूरा चैप्टर, ये पूरा डेटा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी डिटेल में ले लूँगा, तो जहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बताना पड़ेगा मुझे, फिर उसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे, फिलहाल समझो ये नहीं लगेगा, जाने दो, आपको लगेगा क्या, ये तीनों, और यहाँ पे एक और है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी जाने दो, ठीक है। लगने कौन वाला है आगे इस चैप्टर में, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नीट के हिसाब से ये टर्म्स 11th में ही पढ़े जाते हैं, 12th में हमको सॉल्युबिलिटी से मेन पढ़ना, लेकिन मैंने एज ए रिविजन इसको बता दिया, रिविजन के तौर पे मैंने इसको आपको बता दिया। तो इसका ये तीन ही लगेगा आगे, ये जो चैप्टर है जो भी है ये तीन ही लगेगा, याद रखना। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्या करूंगा मैं, इरेज करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ओके डन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी की, ये हमारा हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना घुल सकता है कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर, जितना घुल सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। कितना नमक पानी के अंदर घुल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो क्या बोलोगे आप, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, क्या 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 बोलो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आइए समझते हैं इसका मतलब बेटा, कितना नमक मैक्सिमम पानी में घुल सकता है
फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर फिक्स है, इससे ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा या प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की ताकत, जैसी फॉर्म में कितना नमक पानी में घुल सकता है, कितने पानी में, जैसे एक लीटर पानी में, यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूँ, एक लीटर पानी में मैक्सिमम कितना नमक घुल सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी। मान लो मैक्सिमम 20 ग्राम नमक घुल सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक लीटर पानी में मान लो कि एक 20 ग्राम सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर, एक लीटर पानी में कितना सॉल्ट घुल सकता है, 20 ग्राम मैक्सिमम। अगर आप 21 ग्राम भी डाल दोगे तो नहीं घुलेगा वो, देखो ना, ज़्यादा ज़्यादा नमक अगर मान लो पानी में डाल दो तो देखो घुलेगा नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल नहीं घुलेगा। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, कितना मैक्सिमम घुल सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे उस टर्म को समझ लो पहले, डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन टर्म को समझते देखो तो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डिसोल्यूशन मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एकदम सिंपल भाषा में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन, ठीक है ना। देखो ना, सॉल्ट प्लस वाटर ये बन गया सॉल्यूशन, इसको क्या बोलोगे तुम लोग, डिसोल्यूशन, है ना, है ना, सही है ना भाई, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, तो क्या बोलूंगा इसको, डिसोल्यूशन। लेकिन यही सॉल्यूशन उल्टा टूट जाए, सॉल्यूशन टूट जाए वापस सॉल्यूट सॉल्वेंट में, यानी कि सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सेपरेशन होना सॉल्यूट सॉल्वेंट का, कहां से, सॉल्यूशन से, उसको क्या बोल दूंगा, क्रिस्टलाइजेशन। अब सर एग्जांपल बताओ, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो क्रिस्टल बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैंने बोला था आपको शुगर केन का, क्रिस्टल बन जाता है कि नहीं। तो यहां ध्यान दो, यहां तक क्लियर हुआ, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कितना आसान है ना। अब ध्यान दो, अब मैक्सिमम कितना घुला सकते हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन सॉल्वेंट, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट फिक्स टेम्परेचर। बात को समझिए, क्या बोला मैंने, ये मेरा सॉल्यूशन था बेटा जी, ये मेरा पानी है इसके अंदर, और मैंने मैक्सिमम 20 ग्राम नमक मैं घुल सकता हूँ इसके अंदर NaCl, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ, बात समझो। अब इससे एक ग्राम भी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, जबकि ये भी फिक्स मैंने बोला कि ये जो है ना ये फिक्स पानी हुई होना चाहिए, कोई भी लिक्विड फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, अलग अलग लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। दूसरा कोई लिक्विड लोगे, अगर मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लोगे तो उसमें घुलेगा भी नहीं नमक, पेट्रोल ट्रोल में घुलेगा भी नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा अच्छे से, तो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट भी फिक्स होना चाहिए कोई, जैसे मान लो पानी ले लिया, तो एक लीटर पानी में 20 ग्राम अगर नमक घुल रहा है तो 21 ग्राम नहीं घुल सकता अगर टेम्परेचर फिक्स है तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। देखो ना आप नमक पानी को घुलाओ या चीनी पानी को, जो लोग देखो वो बनाते हैं चीनी पानी का मिक्स करके चाशनी, यस चाशनी जो बनाते हैं रसगुल्ला के लिए, मिठाइयाँ के लिए, देखो ना क्या करते हैं, गर्म करके मिक्स करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स हो, गर्म करने से क्या तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है वो बताऊंगा मैं, फिलहाल समझ में आया। तो अब इस सॉल्यूशन में बेटा, अब इस सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट कैन बी, अब सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ये सैचुरेट हो चुका है, भर चुका है, सैचुरेट मतलब ना भरना, फुलफिल होना, अब ये पूरी तरीके से भर चुका है, अब उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मीन्ट बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यस, जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है
अब उसके अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स टेम्परेचर से बोलो, क्योंकि सॉल्यूट जो है यहाँ पे हमारा सॉलिड है, और सॉल्यूट अगर सॉलिड होगा तो प्रेशर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब मान लो इसके अंदर मैक्सिमम 20 ग्राम खोल सकता हूँ बेटा, मैक्सिमम 20 है तो 5 खोल सकता हूँ, 5 ग्राम खुल जाएगा, यस, 10 ग्राम, यस, 15 ग्राम, यस, 16, यस, तो आप जितना चाहो उतना खोल दो 20 से पहले, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, अभी भरा नहीं है, अभी और भर सकते, अभी और भर सकते, तो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, अरे वाह वाह वाह, है ना, 20 से पहले कितना भी फुल कर लो, अनसैचुरेटेड फुलफिल नहीं है, भरा हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. अब नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड, अब मैंने 20 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया था, इसमें 20 ग्राम को डिसॉल्व कर दिया था, अब उससे डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको बर्नर पे डाल दिया, गैस बर्नर पे, यानी कि गर्मी दे दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो घुल गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे अब, सुपर सैचुरेटेड, अरे भरा से भी भरा हुआ, सुपर है कि नहीं, सुपर डुपर, तो क्या बोलूंगा, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और सॉल्यूशन जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया? अब सॉल्युबिलिटी का तो समझ में आया, क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी, ठीक, और ये टर्म समझ में आ गया, ठीक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक, ये सब टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? तो हमने सॉल्युबिलिटी समझ लिया बच्चा, यस सर, क्या समझ में आया कि कितने सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में घुल सकते हैं एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर है? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, अब ये देखने जा रहे हैं हम लोग, ये भी हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी, अब नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है हेडिंग भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इधर लिखता हूं, फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, यहां तो पूरा लिख देता हूं, मारवाड़ी नहीं बनना है, सॉल्युबिलिटी, सही, ठीक। देखो पहला फैक्टर है हमारा, यहां ध्यान दो बेटा जी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां पे ध्यान दो, सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, मुझे बताओ क्या चीनी पानी और नमक पानी की सॉल्युबिलिटी सेम हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है, डिपेंड करेगा, हो सकता है चीनी कम हो या नमक कम हो, डिपेंड करता है, हर एक चीज की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं हो सकती है, डिपेंड करता है सॉल्यूट क्या है, नमक है या चीनी है या आटा है, क्या है, डिपेंड करता है कि नहीं? अब पानी है कि अल्कोहल है कि पेट्रोल है कि डीजल है, क्या है, डिपेंड करता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अरे वाओ, क्या, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट्स, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, ऐसा यहाँ पे नहीं है, है कि नहीं? चलो मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते, अच्छा ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब होता है कि एक जैसे में घुलते हैं, है ना, सबका अपना अपना होता है, सब हर जगह लोग कंफर्टेबल नहीं होते, अपने में कंफर्टेबल होते, एग्जांपल चौधरी चौधरी में कंफर्टेबल है ना, खान खान में कंफर्टेबल है, शेख शेख में कंफर्टेबल है, अलग अलग लोग अलग, चौटाला चौटाला में कंफर्टेबल है, कापूर कापूर में कंफर्टेबल है कि नहीं, अरे है कि नहीं, पटेल पटेल में कंफर्टेबल है, लेकिन आजकल शादियां भी होती है तो भाई पटेल पटेल, अगर चटेल हो गया तो नो शादी, है कि नहीं, बहुत ज्यादा मतलब मगजमारी चल रहा है भाई, खान है तो खान चाहिए, है कि नहीं, चौधरी है तो चौधरी चाहिए, कापूर है तो कापूर चाहिए, है कि नहीं,
ऐसा हो रहा है, फिल्म स्टार में ऐसा नहीं होता है, है कि नहीं? खैर यहाँ पे फिर भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? खैर आ जाओ, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो, यानी कि मैं इसको बोलूँगा पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, नॉन पोलर में डिजॉल्व करता है, पोलर पोलर में डिजॉल्व करता है। ऐसा क्यों? अब जिनको पोलर नॉन पोलर नहीं मालूम उनको बता देता हूँ मैं। मतलब जी पोलर मतलब जहाँ पे दो पोल हो, जैसे NaCl एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दो पोल होंगे तो उसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं डाइपोल्स, दो पोल पोलर। HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोलर, HOH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोलर, तो H2O तुम्हारा क्या है? पानी है, तो पोलर पोलर। समझ में आया? तो पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो एकदम आसान तरीका बता देता हूँ मैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिख जाए वो नॉन पोलर होगा, ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे बेंजीन, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पानी क्या होगा? पोलर। अल्कोहल क्या होगा? पोलर। तो ये सब क्या होंगे? पोलर होंगे। ठीक, HCl क्या होगा? पोलर। ठीक है, एसिड। बेस क्या होगा? पोलर। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेंगे, जल्दी बोलो। वही NaCl इन H2O, NaCl इन H2O, ये भी पोलर, ये भी पोलर। अब सवाल ये पोलर पोलर में डिजोल्व क्यों होता है? अगर कोई ये भी पूछ दे तो क्या बोलोगे? ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है। अरे भाई दोनों चौधरी हैं, फर्क है रीति रिवाज में दोनों का, लेकिन सिमिलरिटी बहुत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन होना चाहिए चौधरी, बात खत्म। चौधरी है वो चौधरी है तो बात खत्म, बाकी चीजें अलग हो सकता है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, एक जैसा है कि नहीं? रस में थोड़ी सी अलग है। क्लियर हुआ? तो यहां पर अगर आपको कोई बोले तो बोलना कि भाई साहब जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं ना, पानी के मॉलिक्यूल प्लस माइनस, इसमें एन ए प्लस और सी एल माइनस, ये इससे, सॉरी ये इससे और ये इससे, होता क्या है ना एन ए प्लस को, एक्चुअली सीन क्या होता है ना कि एन ए प्लस को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, उसी तरह सी एल माइनस को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते चारों तरफ, बहुत स्ट्रांगली वो डिजॉल्व हो जाता है उसमें, इसीलिए वो इसमें घुल जाता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में क्या होगा? स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, ये दोनों क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट। यहाँ पे तीन रीजन है, आप बोलना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट में इंट्रैक्शन, यानी कि NaCl बहुत सारा होगा, NaCl का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, लाखों करोड़ों में होंगे, तो NaCl NaCl के बीच का इंट्रैक्शन, H2O H2O के बीच का इंट्रैक्शन और NaCl H2O के बीच का इंट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सब सिमिलर है, सब मैच कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मैचिंग हो गई है, अब और क्या चाहिए? शादी करा दो, आई मीन दोनों मिक्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नॉन पोलर नॉन पोलर में एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल किसमें? बेंजीन में, कोलेस्ट्रॉल इन बेंजीन। ये किताब तुम्हारी किताब में, इसलिए मैंने ले लिया, है कि नहीं? वरना देख के डर जाते क्या है। कोलेस्ट्रॉल इन बेंजीन दोनों भी क्या है? नॉन पोलर। तो ये क्या हो गया? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्लियर है? तो सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, यस सर। तो पहला फैक्टर क्या है भाई? पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसको समझने के लिए हमको एक प्रिंसिपल समझना होगा, 11th का ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, याद है ना? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने, ली चार्टलियर प्रिंसिपल्स। बहुत ही गंदे गंदे नाम है कि नहीं? क्या कर सकते हो, अगर इंडियन होता तो थोड़े अच्छे नाम होते, राज कपूर है कि नहीं, ऐसा कुछ नाम होता। ली ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ठीक है? तो देखो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, यहाँ ध्यान दो। अभी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर
अगर कोई रिएक्शन ए से बी हो रहा है, ए से बी हो रहा है, और अगर ए पे स्ट्रेस हम देते हैं, कोई स्ट्रेस, एस फॉर स्ट्रेस मान लो हमने दे दिया, इसको कोई स्ट्रेस दे दिया, तो ये अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये एस को उधर भेज देगा, मतलब ये किसके फेवर में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसके फेवर में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको कम करना चाहेगा, ठीक है ना। अरे मान लो एन टू प्लस एच टू अमोनिया बन रहा है NH3, तुमने क्या किया, तुमने एन टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, यहाँ ध्यान दो बेटा जी, एन टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा, पूरे एन टू को फटाफट भेजेगा, क्योंकि इस पर स्ट्रेस आ गया, इस पर एन टू जितना था उतना सही था लेकिन ज़्यादा आ गया, तो इसको कम करने के लिए किधर, इधर भेजेगा, वही रास्ता है, तो NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो कहाँ फेवर किया ये? इट फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से, इस साइड गया, है ना। तो किसमें फॉरवर्ड, किसमें फेवर किया ये? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो यहां ज्यादा कर दूं ये, तो उसको कम करना चाहिएगा, तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, सही है, सही है ना, इधर फेवर करेगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं मैं तो अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो वापस N2H2 बनाने लगेगा। तो अगर मुझसे आके एक आदमी पूछता है कि भाई मेरे को अमोनिया बनाने का है, अमोनिया बनाने का है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला सुन बेटा, अगर बेटा लाइक है, छोटा है तो सुन बेटा, ये भाई है तो सुन भाई, ये बड़े हैं तो सुनिए जी, भैया जी, है कि नहीं। आप ली चार्टर प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लीजिए, क्या कर लीजिए भाई, ली चार्टर का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप N2 और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अमोनिया आपका बढ़ जाए, या फिर आप NH3 के अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को निकाल दो, कम कर दो, तो ये कम होगा तो ज्यादा बनना चाहेगा, तो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो या तो इन दोनों को बढ़ाओ या तो इसको कम कर दो, इट विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ? चॉकलेट की कंपनी है, चॉकलेट का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल बढ़ा दो, समझ में आया, या जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा। सोचो कितना फायदेमंद है। तो अभी यहाँ पर यही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि नॉर्मली क्या लगता है लोगों को कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल जो मैंने बोला आपको, नमक पानी को आप मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है वो 20 ग्राम पे मान लो जो मैंने बताया। अब मैं गर्म कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो और घुल रहा है, 21 ग्राम घुल रहा है, 22 ग्राम घुल रहा है, 23 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम भी डिजॉल्व हो जा रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो उसका प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिसिटी एक्सोथर्मिसिटी, क्या? एक्सोथर्मिसिटी। अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यहां ध्यान दीजिए प्लीज, अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या? हीट जहां पे ऐड करते हैं हम लोग, ठीक। तो बेटा जी मैंने यहां पे ए प्लस बी से मान लो सी बनाया और यहां पे मैंने हीट ऐड कर दिया, हीट ऐड कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी और हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक है मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट मतलब दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या करेगा बताओगे? ये चाहेगा इसके ऊपर, ये स्ट्रेस हो गया, ये गर्मी, ये टेम्परेचर, इसके ऊपर स्ट्रेस है, पहले से तो हीट था और टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उसको कम करना चाहेगा ना, तो कम करने के लिए इधर कुछ है क्या जो इधर जाएगा? उधर ही कुछ है, तो ये हीट किसके पास भेजेगा? सी के पास, बराबर, तो उस साइड जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन में फेवर कर रहा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन से डायरेक्शन में फेवर कर रहा? इट फेवर्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना। अरे ये सॉल्यूट सॉल्वेंट है, ए प्लस बी, बी क्या है? सॉल्यूट ना, और ये सॉल्वेंट है ना, जानते हो ना, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके इसको एस लिख दो, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बन गया ना, तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो क्या देखा हमने कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्लियर है? अगर यही एक्सोथर्मिक रहेगा, क्या रहेगा? जैसे KCl है ना, KCl जो है, KCl
उसको आप हीट करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पोटेशियम क्लोराइड को पानी में जब मिक्स करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक ठीक, अब देखो ए प्लस बी गिव्स एस प्लस हीट, एक्सोथर्मिक, ये ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, तुम टेम्परेचर को और बढ़ा रहे हो, हीट रिलीज कर रहा है तुम और टेम्परेचर दे रहे हो, तो हीट को कम करेगा ना, तो कम इधर भेज के करेगा ना, तो बताओ फेवर टू फेवर्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड में क्या है, सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्वेंट वापस बन रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो? अब एक बात और बताओ, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। पहला मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी नहीं, डिपेंड करता है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट मिले, पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल मिले जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जैसे अमोनियम NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसी तरह एक और एग्जांपल है जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये दोनों अलग अलग है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। मतलब ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, बोल नहीं सकते अपन, लेकिन इसको पकड़ के अपन रखते हैं, कौन से पॉइंट को, एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। लेकिन अगर मान लो नीट का क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये है कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हो गया गलत, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर सॉल्युबिलिटी घट भी रही है एक्सोथर्मिक। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और एक्सोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी घटेगी, ये बात सही है। तीसरा बोल रहा है कि ये भी पक्का नहीं है, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी दोनों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और चौथा बोल रहा है नन, तो कौन सा टिक करोगे, तीसरा टिक करोगे, दूसरा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऑप्शन तीसरा नहीं रहता तो क्या टिक करते, दूसरा टिक करते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां तक क्लियर हुआ? तीसरा है हमारा, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहां ध्यान दो, अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं तो सॉलिड और लिक्विड, अगर सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट सॉलिड है और लिक्विड है तो उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कंप्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होते, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को कंप्रेस कर सकते। अब गैस प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर का मतलब क्या, कंप्रेस करना, अरे गैस है तो उसको कंप्रेस कर दो तो सॉल्युबिलिटी घुल जाएगी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल CO2 इन वाटर, जो आपके कोल्ड ड्रिंक में होता है, लाओ भाई यही ला लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं, फील आएगा, हालांकि इसके अंदर नहीं है तो भी, है कि नहीं। मान लो इसको खोलते तो CO2 निकलता है ना, तो CO2 को जितना ज़्यादा प्रेशर लगा के कंप्रेस करोगे, CO2 पानी में घुल जाएगा। तो क्या प्रेशर बनाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, गैस और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और पानी में मिक्स हो जाएगा। तो क्या देखा हमने कि प्रेशर बनाने सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर सिर्फ किसके लिए होगा, जब सॉल्यूट हमारा गैस होगा, यानी कि गैस इन लिक्विड के लिए, सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो उसके लिए प्रेशर का इफेक्ट होगा। और इसी को बाबा हेनरी ने बताया और उसका लॉ बन गया, हेनरीज लॉ। तो बात करते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरीज जो हेनरी हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैस के प्रेशर की, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही वो पानी में घुल जाएगा। यानी कि CO2 को अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से दोगे तो वो अच्छे से पानी में घुल जाएगा। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है O2 डिजॉल्व इन वाटर। नेचर को देखो, नेचर को और अल्लाह की कुदरत को देखो कि गॉड ने किस तरह एक्वेटिक एनिमल्स को सरवाइव कर रखा है सॉल्युबिलिटी की वजह से, ये हिंदी लॉ बताता है। देखो ना, पूरा आपको एप्लीकेशन दिख रहा है साफ साफ। आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स जो जिंदा हैं
पानी में रहने वाले जानवर, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि एनर्जी हासिल करते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, क्योंकि हमारा हम जो खाना खाते हैं वो खाना और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एनर्जी बनाता है। तो उसी तरह एक्वाटिक एनिमल्स को भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन लेते हैं कि तो कहाँ से लेते हैं? पानी के अंदर से। ऐसा नहीं होता है कि भाई ये पानी है ना, तोड़ देते हैं इसको और O2 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, तो पानी तो खत्म हो जाएगा, तो नदी तालाब का पानी सब खत्म हो जाएगा महीनों में। पूरा ऑक्सीजन लेंगे, पानी खत्म, मछली मर जाएगी, है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ निकालो डर जाएगी। अच्छा वो पहले है, बाहर निकालो मर जाएगी, है कि नहीं? तो बाहर पानी नहीं रहेगा तो सिर्फ जीवन उसका पानी है, हमारा भी जीवन पानी है। अच्छा जल ही जीवन है, ठीक है, उसके लिए भी जल जीवन, लेकिन वो उसका रहती है, मैं हम लोग रहते नहीं है। खैर अब सुनो, तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं बेटा जी एटमॉस्फेयर से, वही ऑक्सीजन प्रेशर जब 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 180 प्रेशर की यूनिट है एटीएम, जिसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 180 है, ठीक है। अब ये जो 180 है, सुनो ध्यान से, ये जो 180 है, इस प्रेशर से वो ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ घुल जाता है? पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो पानी में घुल जाता है तब वो मछली क्या करती है, उस पानी के अंदर घुले ऑक्सीजन को ले लेती है उसके, इसीलिए उसको अल्लाह ताला ने, गॉड ने गिल्स दिया, वो गिल्स उस ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेती है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेती है और फिर H2O निकल जाता है। समझ में आया? ऑक्सीजन घुला हुआ जो रहता है उसको लेती है और H2O फिर निकल जाता है। तो देखो ना, अगर वो प्रेशर 180 हट जाए, जो प्रेशर 180 हट जाए, सारे एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व ही नहीं होगा, याद रखना, और हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। समझ में आया? सोचो कितना अच्छा बैलेंस बना हुआ है कि कुदरत अगर हमको हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सोचो ना यार, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन गॉड, है कि नहीं? सोचो, बाय द वे, तो उसी चीज को किसने एक्सप्लेन किया? बाबा हिंदी ने। क्या बोला उन्होंने कि सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? गैस प्रेशर के। क्लियर है? और इसीलिए एक क्वेश्चन है कि बताओ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल है या हॉट वाटर में? कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में नहीं, क्योंकि अगर वाटर हॉट होगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा तो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वहां से निकल जाएगा, और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या होगा? मछली जल की रानी थी ऐसा हो जाएगा पानी थी, पानी था, है कि नहीं? जीवन उसकी पानी, जीवन उसका पानी था, ठीक है। तो ये हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बेटा, आवाज मत करो, कांस्टेंट क्या है? हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूनिट निकाला इस तरीके से, एस अपॉन पी गैस। अब इसकी यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट होती है बार। प्रेशर की यूनिट बेटा जी एटीएम भी होती है, बार भी होती है। 180 इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार, लगभग 1 के बराबर, यानी कि 180 इज लगभग 1 बार, एंड विच इज इक्वल टू 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो होता है कितना न्यूटन, कितने मीटर स्क्वायर में हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको सबसे पहले पास्कल ने बताया था, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। तो इसको 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं हम लोग। इसको बेटा जी एमएम ऑफ एचजी में भी मेजर करते हैं, किसमें? एमएम ऑफ एचजी। तो 180 कितना एमएम ऑफ एचजी होता है? 760 एमएम ऑफ एचजी होता है। कितना? 760 एमएम ऑफ एचजी। और यही बराबर होता है 1 एमएम ऑफ एचजी बराबर होता है 1 टोर के, 1 टोर, समझ में आया? अब देखो, आपको मालूम है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मालूम है? मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में होता है वो एमएम ऑफ एचजी में होता है, यानी कि कितना प्रेशर है को कितना एमएम जा रहा है, वो मर्क्यूरी का कितना एमएम जा रहा है ऊपर। तो उसी प्रेशर को हम लोग ने अलग अलग यूनिट में बांट दिया, हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने अलग अलग यूनिट बना दिया जो हमको प्रीफर करना है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? मोल पर लीटर पर बार,
इनवर्स बोल दूंगा पर बार, ठीक है। ये यूनिट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बोर्ड्स के हिसाब से, लेकिन बेटा जी बेहतर होगा आप अलग तरीके से जानो वो क्या है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी इसको ना साइंटिफिक तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से जो हेनरी का लॉ है, अभी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो ऐसा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है भाई। पार्शियल प्रेशर इसलिए बोलोगे क्योंकि मान लो जो गैस है ये पूरा सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग है, तो पार्शियल का मतलब क्या, सिर्फ नाइट्रोजन का या सिर्फ ऑक्सीजन का, अकेला अकेला क्या होगा पार्शियल प्रेशर, और सबका क्या होगा टोटल प्रेशर। लेकिन उससे भी बेहतर है कि हेनरी ने क्या किया, इसको मोल के टर्म में लिया, उसने ये नहीं बोला कितने मोल एक लीटर में, उसने ये नहीं बोला कितना ग्राम एक लीटर में, उसने ये नहीं बोला कितना ml कितने ml में, उसने ये मान के लिया कितने मोल में, यानी कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया, जो मैंने बताया मोल टू मोल रेशियो, कितना मोल फ्रैक्शन लिया। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आएगा कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा गैस के जितने मोल पानी में डिजोल्व होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे ज्यादा गैस पानी के अंदर जा रहा है मतलब ज्यादा डिजोल्व हो रहा है ना, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया मान लो ऑक्सीजन पानी में है, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा पानी में है तो मतलब ऑक्सीजन के ज्यादा मोल पानी में है, अगर ज्यादा मोल ऑक्सीजन के पानी में है तो ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ है, ज्यादा सॉल्युबल है। तो उन्होंने किसके टर्म में लिया, मोल के टर्म में, मोलरिटी के टर्म में नहीं, मोल पर लीटर नहीं लिया, समझ में आ रहा है, या मास के टर्म में नहीं लिया कितना ग्राम कितने ग्राम में, कितना ml कितने ml में, ये सब नहीं लिया, क्या बोला कितना मोल कितने मोल, मोल के टर्म में लिया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और प्रोपोर्शनली हटेगी तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगेगा, और वो है हमारा KH, ठीक है, इंटू X गैस, सही है, ये इंटू है भाई, X मत समझ लेना, X गैस, सही है, हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक, हेनरी कॉन्स्टेंट को लिख सकता हूँ P गैस अपॉन X गैस, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है X गैस के, और मैंने बोला ये किसका काम कर रहा है, सॉल्युबिलिटी का, जितना ज्यादा गैस का मोल होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा गैस पानी में घुलेगा जितना मोल उसका घुलेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, बराबर सही है ना। तो अगर KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, देखो ना, क्योंकि कम मोल आएंगे, और अगर KH कम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका जितना ज्यादा एग्जाम्पल है भाई ले लो हीलियम, हीलियम का जो होता है KH की वैल्यू वो 140 किलो बार होता है, 140 किलो बार। उसी तरह अगर मैं ले लूँ हाइड्रोजन का तो 95 ना 75 किलो बार, ठीक है 75 किलो बार, ठीक है, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्टली मुझे लर्न नहीं है। और O2 का वैल्यू ले लो 30 किलो बार, ठीक है 30-35 जो भी ले लो ये वैल्यू। अब आप देख रहे हो इसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है तो बताओ कम घुलेगा या ज़्यादा, कम। अगर KH ज़्यादा तो देखो ना KH ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम, तो अगर ये क्या होगा इसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसकी सॉल्युबिलिटी कम, कम की ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। ये तो बोल दो आपकी ये इनसॉल्युबल है, घुलेगा ही नहीं भाई, ये घुलेगा ही नहीं, ये थोड़ा सा घुलेगा, स्लाइटली सॉल्युबल, और ये पूरी तरह से घुल जाएगा, एक्वाटिक एनिमल्स है कि नहीं, ठीक। कॉम्पिटेटिव में बहुत इस्तेमाल होगा, आपको बोलेगा तीन वैल्यू दे दी जाएगी, आपको बोल जाएगा इसका KH, इसका KH, इसका KH इतना इतना है, तो बताओ इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ए बी सी ग्रेटर देन के फॉर्म में दे देगा ऑर्डर, तो कर ले जाओगे ना, ऐसे ही डायरेक्टली देगा, है ना। अरे बोले ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोलो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, है ना, ऐसे KH की वैल्यू दे जाएगी, बोलोगे बताओ, एक ऑप्शन रहेगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, एक रहेगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो क्या ऑप्शन आंसर लोगे, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, क्लियर है। देयर वाज टॉक अबाउट द हेनरीज लॉ, नाउ वेपर प्रेशर, वेपर की बात हुई, अब वेपर प्रेशर को क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वाई, क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेशन निकलते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी पता चलती है जो आपको अभी समझ में आ गया एग्जैक्टली आगे। पहले वेपर का प्रेशर का मतलब समझ लो, वेपर मतलब बाप,
भाप, बाप नहीं भाप, है ना। बाप और भाप में किसका फर्क है? ब और भ। चलो बहुत सुस्त नजर आ रहे थे तो मैं सोचा कि थोड़ा सा तुम्हारे अंदर एनर्जी ले आऊं, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो तो आइए हम देखते हैं वे प प्रे स, वे प प्रे स, ठीक है। नॉर्मली क्या लगता है नाम से कि सर वेपर का प्रेशर, बाप का प्रेशर, बाप जो घर में बाप उनका प्रेशर नहीं, बाप का प्रेशर, लेकिन बाप का प्रेशर कम है बाप के प्रेशर से, है कि नहीं। अगर बोल दूं रुको, अगर तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल लगाऊंगा, बराबर हो जाते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बाप। तो बाप का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाप का प्रेशर, नहीं डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कई गुना ज़्यादा होता है, टू टाइम्स, है कि नहीं। तो बाप का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टाइम्स ऑफ बाप का प्रेशर। बाय द वे हम लोग वो सब बात नहीं कर रहे हैं, आओ यहाँ पे। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, नहीं ऐसा लगता है कि वेपर का प्रेशर इज वेपर प्रेशर, यानी कि क्या ये हमारा कोई वेसल है उसके अंदर हमारा आज ब्लू है पानी, पानी पानी को ब्लू से बना देता हूँ, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया भाई, वेपर बना, क्या बना, वेपर बना। तो ये वेपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हमको लगता है उसी को, यानी कि कितना प्रेशर है उसका, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है बताता हूं मैं। ये कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होना चाहिए। जब एक कंटेनर बंद रहेगा तो जो भी वेपर बनेंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना पानी वेपर बनेगा इवेपोरेट होगा उतना ही पानी, क्योंकि बंद है तो बाहर नहीं निकल पाएगा, कंडेंस हो जाएगा। देखो ना ऊपर ढक्कन के ऊपर पानी के फॉर्म में जमा हो जाता है वेपर, क्योंकि वो एस्केप नहीं सकता। इफ वेपर विल एस्केप, अगर वेपर एस्केप हो जाएगा तो क्या खाक यहां पे रहेगा प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए? अरे अगर ढक्कन खुला रहेगा तो वेपर विल एस्केप, वेपर गायब हो जाएगा, वेपर बाहर चला जाएगा, तो प्रेशर किसको पैदा करेगा? यहां पे है बंद, ये बंद रहेगा तो प्रेशर वेपर पैदा करेगा। देखो ना कुकर, प्रेशर कुकर है कि नहीं। कुकर क्या होता है उसमें, उसमें तो फिर भी सिटी मारता है तो वेपर निकलता है ना, है कि नहीं। तो बहुत खतरनाक होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं दिल्ली में था तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनके घर में, वो तो अच्छा हो कि वो बाहर थी, कुकर लगा के गई थी, कुकर का सिटी काम नहीं किया था, है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा वेपर बन गया, इतना वेपर बन गया कि वो उड़ा और डायरेक्ट छेद हो गया डायरेक्ट छत में, और पूरे घर में खिचड़ी या पता नहीं क्या था फैला हुआ था। तो बहुत खतरनाक प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्लोज कंटेनर रहेगा तब, तो क्लोज रहेगा तो वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो मैं बोलूंगा देखो, अगर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बराबर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा जी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। यानी कि बच्चा मेरा जो लिक्विड है, देखो देखो बोलो पापा मेरे, हाँ बोलो, जो लिक्विड है वो क्या बनाएगा, गैस, और गैस क्या बनाएगा, लिक्विड, सही है ना, लिक्विड गैस और गैस लिक्विड, दोनों इक्विलिब्रियम पे। तो इस पोजीशन पे जो वेपर एग्जर्ट करेगा प्रेशर उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वेपर उसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर, याद रहेगा, क्लियर है। तो ये हो गया वेपर प्रेशर। अब आइए यहां पे, अब राउल्ट ने वेपर प्रेशर में के बारे में कुछ बताया, बेटा जी यहां ध्यान दीजिए, अब इसी में हम देखेंगे राउल्ट लॉ। अब राउल्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं तो आइए उसको देखते हैं। राउल्ट बोलते हैं कि अगर कोई दो लिक्विड को, अगर कोई दो लिक्विड को, ठीक है यहां पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई तो उसके लिए लड़ाई मत करना, ओ डाल दो, आर ए ओ यू एल टी, राउल्ट लॉ। स्पेलिंग मैटर नहीं करता साहब, मैटर क्या करता है, कॉन्सेप्ट। स्पेलिंग पे मत जाना साहब,
कॉन्सेप्ट पे जाना, समझ में आया? ठीक, तो आइए साहब देखिए, अब देखो जो राउल्ट हैं उन्होंने क्या लिया, दो सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? दो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, बाइनरी मतलब क्या, दो, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर पानी लिया गया, क्या लिया गया बेटा? पानी, ठीक है, आज ब्लू है पानी, पानी पानी नहीं, पानी सिर्फ पानी, वोलेटाइल मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब जो जल्दी भाप बन जाते हैं, जैसे पानी और नमक में कौन वोलेटाइल है? पानी, नमक नहीं है, नमक वेपर नहीं बनाता है, तो नमक क्या है? नॉन वोलेटाइल, और पानी क्या है? वोलेटाइल, दोनों भी वोलेटाइल हैं, दोनों लिक्विड लिया गया, दोनों भी वोलेटाइल है, मान लो इसका ए, इसका नाम बोलो बी, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं हम लोग तो भाई साहब एक नया सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों पानी ले लिया मान लो, तो क्या बना हमारा सॉल्यूशन? ठीक है, एस बोल दो, एस, ठीक है, अरे दोनों का अगर अमाउंट सेम है तो एक किसी को भी सॉलिड किसी को भी सॉल्वेंट बोल दो, या मान लो एक कम या एक ज्यादा, मिक्स किया दोनों भी क्या है? लिक्विड है, ठीक है, तो क्या बना भाई? एस नाम का सॉल्यूशन बना, ये भी क्या है? वोला टाइल, ये भी क्या है? वोलाटाइल, ठीक। तो अभी इसका वेपर प्रेशर ये बंद है, वेपर क्रिएट करेगा, इसके वेपर प्रेशर को हमने बोला पी नॉट ए, बेटा ए प्योर ए सॉल्वेंट, ठीक है, पी या ए कंपोनेंट है, ए सॉल्यूशन है तुम्हारा, पी मतलब प्रेशर और नॉट मतलब प्योर, तो प्योर प्योर सॉल्वेंट है बेटा, कोई मिक्स नहीं है, सॉल्यूट मिक्स नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर के लिए क्या लेते हैं हम लोग? नॉट, तो पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ बेटा जी? पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ? प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर, इसका ये मतलब हुआ, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर। उसी तरह बेटा जी इसका क्या हो जाएगा? पी नॉट बी, ये भी प्योर है ना, इसमें भी कुछ मिक्स नहीं है, दोनों भी प्योर लिक्विड है, ये भी हमारा प्योर सॉल्वेंट है बेटा जी, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, मेंशन कर लो, और ये भी प्योर सॉल्वेंट है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई साहब स्क्रीनशॉट लेते रहो, उतना टाइम नहीं है, है ना, देखो ऐसे साइड में वैसे भी लिख रहा हूँ आराम से, इधर आओ तो इधर उधर का ले लो और उधर जाओ तो इधर का ले लो, है कि नहीं, और तुम लोग लाइव देखते रहो, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा? पी नॉट बी, इसका पी नॉट ए, सॉरी इसका पी नॉट बी और इसका पी नॉट ए, ये प्रेशर, क्या यही सेम प्रेशर दोनों के मिक्स होने के बाद भी रहेगा? नहीं, नहीं, इसका, क्योंकि देखो यहां पे बेटा जी ए के भी मॉलिक्यूल है, बी के भी मॉलिक्यूल है, ये ए है मान लो, ये बी है, ये ए है, ये बी है, है ना, ये ए है, ये बी है, सही है, तो ए और बी दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ए बी को रोकेगा, बी ए को रोकेगा, जाने नहीं दूंगा तुझे अरे रोकेगा ना, ए बी को रोकेगा, और बी क्या करेगा भाई? ए को रोकेगा, तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा इस बार? पी ए, प्योर नहीं है अभी, और बी का पी बी, प्योर नहीं है, तो उसको बोलूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल क्यों बेटा? क्योंकि दो में से किसी एक का बोल रहा हूं मैं, तो पार्शियल प्रेशर, और ये पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल मतलब क्या? किसी एक का, है ना, किसी एक का ले रहे, क्लियर हुआ सबको? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, क्या उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। क्या बोला उन्होंने कि ये जिस जिस कंपोनेंट से बना होगा, हर एक कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेपर प्रेशर से, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब उन्होंने बोला कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, हाँ, विच इज मिक्स्ड बाय टू वोलाटाइल सॉल्यूट, टू वोलाटाइल सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इफ टू और टू वोलाटाइल सॉल्यूशन और इफ बाइनरी सॉल्यूशन आर, बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म मिक्सचर सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है, या अ सॉल्यूशन विच इज मेड बाय टू प्योर सॉल्वेंट्स,
इन दैट ईच कंपोनेंट द वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूंगा ना इसको तो ऐसा बोलो चुपचाप ऐसा बोलो ज्यादा मगजमारी नहीं इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट हर एक कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन के बराबर बी है तो बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर समझ में आया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी तो बताओ कॉन्स्टेंट रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी तो बोलो क्या लिख दो पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए अब इन्होंने आर नहीं लिया उनकी कमी थी इनको लेना चाहिए था आर फॉर राफे नहीं राउल्ट यहाँ पर लेना चाहिए था के आर है कि नहीं बार बार बोलोगे हाँ जब देखो बंदा ये चालू हो जाता है अपनी बढ़ाई करने में अस्तग़फ़िरुल्लाह बढ़ाई नहीं करता हूँ पी इज इक्वल टू के एक्स ए पी बी इज इक्वल टू के एक्स बी माना कि हमने माना माना क्या है प्योर सॉल्वेंट है ये दोनों सॉल्यूशन मिल गए हैं दे आर प्योर सॉल्वेंट ठीक है तो अगर मान लो तुम मानो कि भाई इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन को मैंने प्योर मान लिया दोनों पानी था मान लो अरे दोनों पानी था ए भी पानी बी भी पानी तो ये पानी है पानी 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 है ना सब पानी है ना बात समझो तो प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट तो सिर्फ ए है एक्स ए है एक्स बी जीरो है ना और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन तो बी है ही नहीं मतलब जीरो है और एक्स क्या है वन है दिख रहा है वन है तो ये वन हो जाएगा सही है वन प्लस जीरो वन तो एक्स ए वन हो गया एक्स भी जीरो हो गया सही है बेटा जी यहाँ देखिए तो एक्स ए इज इक्वल टू वन तो अगर मैं ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू मान लूँ अभी देखो वन इक्वेशन वन देखो लिख सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए अब एक्स की जगह क्या हो जाएगा वन तो पी ए इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ ठीक उसी तरह प्योर सॉल्वेंट दोनों भी बेटा सॉल्वेंट है दोनों भी सॉल्वेंट बोलो ना दोनों भी प्योर सॉल्वेंट है तो एक बार यहाँ पे पी इज इक्वल टू अगर के एक्स है तो पी बी इज इक्वल टू के एक्स भी हो सकता है इस बार एक्स भी जीरो सॉरी वन और एक्स ए नहीं होगा अरे वी वाले में क्योंकि पानी 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 समझ रहे समझ रहे पानी है ना सिर्फ तो पी बी इज इक्वल टू बोलो भाई के एक्स बी पी इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ ध्यान दो यहाँ पे पी इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ यस सर लिख सकते हैं ठीक अब जब पी ए इज इक्वल टू के है मतलब पी ए है ए बी है ही नहीं बी है ही नहीं मतलब प्योर है प्योर है मतलब पी ए यानी कि पी नॉट है पी और पी नॉट ए में कोई फर्क नहीं मतलब प्योर है ना क्योंकि बी नहीं है तो पी नॉट ए बराबर के यहाँ तक क्लियर है क्लियर है यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ हाँ हाँ कितनी बार एक ही चीज़ बोलेगा पकाओ आदमी P नॉट A बराबर के पुट इन इक्वेशन वन पुट क्या इक्वेशन वन बोलो P बराबर के एक्स ए बोलो K के जगह क्या लिख दूँ ये पी ए था ना पी ए पी के नहीं पी ए ये क्या हो जाएगा K की वैल्यू P नॉट A एक्स ए हाँ यही चाहिए था सिमिलरली P बी इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी अब स्टेटमेंट थोड़ा ऐसे बोलना इससे पहले क्या बोल रहे थे इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट अभी क्या बोलोगे इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द और इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्योर कंपोनेंट समझ में आया इतना स्टेटमेंट लिखना है यू विल गेट टू मार्क्स फॉर दैट स्टेटमेंट और फिर ये बना देना ये लिख देना डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है इतना मैंने एक्स्ट्रा किया बोर्ड्स के हिसाब से सिर्फ ये याद रखो या कॉम्पिटेटिव में भी वो करने नहीं बोलेंगे आपको वो आया कहाँ से वो मैंने बताया आपको सिर्फ जानना है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी यही क्या है तुम्हारा राउल्ट्स लॉ अब डाल्टन लॉ जो होता है डाल्टन लॉ क्या है भाई डाल्टन्स लॉ ये है कि पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी मतलब भाई कोई सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा टोटल प्रेशर
तो डाल्टन लॉ में पुट कर दो इसको, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB. तो लिख देना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. बोलो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB. PA की वैल्यू क्या लिख दूं? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी. हाँ अब आगे क्या कर दूं? एक ही फॉर्म में रखता हूँ. हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन. तो एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी. तो पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी. देखो बेटा पी नॉट ए और ये क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी. बोलो क्या कॉमन ले लो? एक्स बी है ना. तो क्या हो जाएगा भाई एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए पी टी. देखो ना ये कॉमन ले लिया एक्स बी, क्या बचा पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए, और ये पी नॉट ए को इधर लिख दिया. यहाँ तक कर दो खेल खत्म हो गया. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना. वैल्यू दी रहेगी आपको, प्रेशर ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा दोनों प्रेशर दिया रहेगा. खेलो समझ में आया कि नहीं आया? तो राउल्ट्स लॉ में क्या करना अगर बोर्ड के एग्जाम में आए, वेरी 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 तुम लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस सर वेरी. लिख दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हेनरी लॉ राउल्ट लॉ बोर्ड एग्जाम में आता है, अक्सर आता है, आता ही आता है. थ्री मार्क्स के लिए अगर लिखना है राउल्ट लॉ तो क्या सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे? इन अ सॉल्यूशन द वेव पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्योर कंपोनेंट. वेव प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेव प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. क्लियर? उसके बाद ये लिखना पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बा बराबर पी बा बराबर पी नॉट बा एक्स बा. डाल्टन्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पुट 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 आंसर. इतना लिख दोगे यू विल गेट थ्री मार्क. वहां पे बोल देना पीटी टोटल प्रेशर, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए, है कि नहीं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, और वो पीटी टोटल प्रेशर. ये सब लिख देना यू विल गेट कितना? थ्री मार्क्स. क्लियर है यहां तक? राउंड सो फटाक से आगे बढ़ते हैं. यू यूट्यूब वाले बच्चों स्क्रीन शॉट लो. डन? वेरी गुड. इतना फास्ट डन होता है क्या? नेक्स्ट आ जाओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फास्ट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो, मिटाते मिटाते बताता हूं आपको मैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे नहीं. कितना है उस पे डिपेंड करे, किसका है उससे कोई लेना देना नहीं है. पैसे से मतलब रखो, कितना पैसा, किसका पैसा कोई लेना देना नहीं. पैसा आने से मतलब है, किसने आम खाओ गुठली ना गिनो. समझ में? बोल रहा है हराम वराम देखेंगे. हाँ भाई वो देखना चाहिए, अच्छी बात है. हलाल का खाओ, है कि नहीं? ठीक है. तो बेटा जी यहाँ पे हलाल वाली बात नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए आप. तो यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है बेटा जी? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्या? सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, एंड नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट. भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ग्लूकोज है, सुक्रोज है, या यूरिया है, ये नमक है, कोई लेना देना नहीं है. लेना देना क्या है? कितने मोल हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? मोल. केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब क्या होता है? मोल. कितने मोल थे? तीन सरदार, है ये नहीं? मोल से मतलब रखना. चार थे. अच्छा चार थे, ठीक है. तो मोल किससे मतलब है भाई? मोल से. मोल से मतलब है. और कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? चार. चार रहते क्या उसमें? चार चार दो ही रहते हो, चार बोल रहे. अच्छा दो ही रहते हैं ना, कितने आदमी थे? तो दो, ठीक है. चलो ठीक है. और तुम कितने थे? चलो खैर छोड़ो, जान दो ये सब. यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ. जान दो किस पे डिपेंड करे? अमाउंट पे. तो ऐसी चार प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है,
नेचर पे नहीं. तो पहला है हमारा आर एल वी पी, क्या है रिलेटिव आर फॉर, ये मत समझना, समझ रहे हो ना, वो मत समझना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब समझते हैं हम क्या है. तो बच्चा मेरा, इस बार क्या किया हमने, यहां ध्यान दो, बिल्कुल राउल्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए हमने, राउल्ट लॉ को हमने ध्यान में रखते हुए यहां पे ले लिया प्योर सॉल्वेंट. और बेटा सॉल्वेंट कैसा होता है, सर वोलेटाइल. कैसा होता है बेटा, सर वोलेटाइल. तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, सर पी नॉट ए, सर वोलेटाइल. वाह वाह, सर कोई बाप बना दो, वेपर है कि नहीं, पी नॉट ए. चलो याद दो, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए. ठीक है, अब इसमें ना अभी देखो हमने क्या ऐड किया था, वोलेटाइल. अब हम एलूट ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्या सॉल्यूट, जैसे मान लो यूरिया ले लिया मैंने, यूरिया, यूरिया ले लिया या ग्लूकोज ले लिया. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडिंग एडिंग क्या कर रहे हैं, एडिंग एडिंग. ठीक है, तो यहां पे क्या बन रहा है बेटा जी, सॉल्यूशन. क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन. ठीक, अब यहां पे जो सॉल्यूशन बना, अब यहां ध्यान दो, इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, अभी हमने देखा. अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अभी यहां ध्यान दो, यहां ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, इसको बी बोल देता हूं, बी भी नहीं बोल बेटा, बी है बी, बी भी है, बी भी है नहीं बोल रहा हूं, बी ऑल्सो बी, ऑल्सो बी, बी ऑल्सो. तो ए ऑल्सो बी ऑल्सो, ए भी है और बी है, ए है और बी है, दोनों है, ए भी है और बी है, दोनों है. सुन में आया, अब देखो, अब ए को बी रोकेगा फिर से, तो वेवर प्रेशर क्या दोनों का इसका सेम होगा. इसके मुकाबले देखो बेटा जी, वहां पे तो वोलेटाइल था, यहां पे नॉन वोलेटाइल है. बात को समझिए बेटा जी, प्लीज बात को समझिए, यहां पे नॉन वोलेटाइल है. तो ये नमक का जो पार्टिकल रहेगा वो पानी के पार्टिकल को वेवर बनने से रोकेगा. अरे रोकेगा ना, देखो ना अब यहां पे, यहां पे देखो ए बी ए बी ए बी, एक तो बाजू बाजू में, प्लस नीचे वाला जो पानी रहेगा, नीचे वाला जो पानी पानी रहेगा, ऊपर नमक है नीचे पानी है, तो नमक रोकेगा कि नहीं रोकेगा, ऐसे समझो ना. अरे मान लो यहाँ पे नमक आ गया, ये पानी है, तो ये रोकेगा, जहां जहां पे पानी के ऊपर नमक रहेगा पानी को वेवर बनने से रोकेगा. कुल मिला के वेवर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. हाँ, तो इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट, इन अ प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस लोअर्स, विच इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अरे वाह वाह वाह, समझे कि नहीं, इसी को क्या बोलते हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आना, वेपर प्रेशर में कमी आना. तेरा ध्यान किधर है, राफे इधर है, याद है, समझना. तो यहां पे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर अरे क्या होगा बोलो, टी ए. अभी नॉट नहीं है, ये प्योर नहीं है बच्चा, अभी इसके लिए सिर्फ ए बचा है, बी नहीं बचा, और ये प्योर नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाया अपन ने. बी का तो बी जो नमक है क्या वो वोलेटाइल है, नमक का वेपर बनेगा, इसीलिए मैंने बी नहीं लिखा, सिर्फ ए का वेपर बनेगा इसलिए ए. समझ में आया, तो पी ए क्या है बेटा जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ. और हमने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कम हो रहा है, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. यानी कि बेटा मेरा क्या मैं लिख सकता हूं, पी नॉट ए बड़ा है पी ए से, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इससे, तो क्या मैं लिख सकता हूं कितना चेंज आया, चेंज का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा. तो क्या बोलूंगा भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसी को क्या बोलूंगा, लोअरिंग इन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो यहां पे अभी पी नॉट ए माइनस पी ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. ये प्रूफ करूंगा मैं कैसा है, फिलहाल समझो, पी नॉट ए माइनस पी ए यानी कि डेल्टा पी किसके बराबर है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ। और जब मैं इसको रिलेट कर दूंगा, भाई इसका रिलेशन मैं ले रहा हूं पी नॉट ए से, पी नॉट ए क्या प्योर है, कितना चेंज हुआ और पहले कितना था, अरे कितना मार्क्स आया कितने में से, बात को समझो, कितना मार्क्स आया कितने में से, ये क्या है चेंज ही तो है, अरे ये क्या है डेल्टा पी तो है चेंज, कितना चेंज हुआ, अरे प्रेशर में कितना चेंज हुआ, पहले 10 था 5 आ गया, पहले 10 था अब 5 हो गया, तो 5 पहले 10 था अब 5 हो गया, तो चेंज कितना आया 5, कितने में से 10 में से, तो 5 आया कितने में से पी नॉट ए में से, कितना चेंज आया कितने में से पी नॉट ए में से, तो इसको रिलेट कर रहे हैं किससे पी नॉट ए से, पहले कितना था तो रिलेट कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव, और कम हो रहा है इसलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अरे वाह 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 समझ में आया कि नहीं, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बात क्लियर है। चलो अब बताता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, आया कैसे, आया कैसे, आया कैसे, राउंड लॉ से, राउंड लॉ से देखो क्या है फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू राउल्ड्स लॉ, राउल्ड का लॉ क्या बोलता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, अब यहां ध्यान दो बेटा, एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, तो पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी ए, ठीक है। अब इसको इस साइड ले आ रहा हूं तो पी नॉट ए एक्स बी, और इसको इस साइड ले आ रहा हूं तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। अब देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, यही तो है डेल्टा पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर, और इसको इधर ले आओ तो डिवाइड मार जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, देखो ये प्रूफ हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर एल वी पी, और इस पर न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हमारा दूसरा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखेंगे भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो सबसे बड़ी गलत फहमी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स और लिक्विड इवेपोरेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ये सरासर गलत है, ये नहीं चलेगा, ये बचकाना है, अभी बढ़ाना चलेगा, बड़ो वाला क्या है, बड़ो वाला बड़प्पन, अच्छा बड़प्पन, बड़ो वाला क्या चलेगा, बड़ो वाला ये है कि बेटा ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, क्या समझो बात को, ये लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है 180 m, वो इसके बराबर हो जाए, अभी देखो इसका जो वेपर प्रेशर है वो तब तक स्केप नहीं होगा तब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, अरे मान लो यहाँ पे 180 m है, यहाँ पे उससे कम है, तो ये जा पाएगा क्या उसके ऊपर, नहीं जा पाएगा, या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी वो जा पाएगा, और वेपर जब तक बनेगा नहीं, वेपर जब तक बनेगा नहीं तब तक वो चीज़ बॉयल होगा नहीं, इसीलिए द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी नॉट वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेव प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे इसका वेव प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेव प्रेशर के बराबर हो जाए, ये बात क्लियर है। अब देखो अब मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट प्योर है ना बेटा, तो क्या बोलूंगा टी नॉट, टी भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो बॉइल होता है, ठीक है, तो उसका क्या हो गया बोलो, टी भी नॉट प्योर के लिए, ठीक। अब सॉल्यूशन जब बन गया तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएगा बोलो, टीबी, सिर्फ चुपचाप टीबी, सही है, सही है, प्योर का क्या होगा, नॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अभी देखो यहां पे प्योर सॉल्वेंट था, इसके ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट है, और जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी हो गया, अब वो कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, क्यों, सॉल्यूट भी आ गया, अब नमक भी आ गया, पहले सिर्फ पानी बॉयल हो रहा था तो जल्दी जल्दी हो रहा था, बात समझो, पहले पानी बॉयल हो रहा था तो जल्दी जल्दी हो रहा था, अब नमक भी आ गया तो बॉयल होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए बोलते हैं एलिवेशन, अरे एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या, बढ़ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया। तो मतलब यहां पे क्या रिलेशन होगा बेटा, यहां पे रिलेशन होगा जो हमारा टी बी है वो बड़ा होगा टी बी नॉट से, उल्टा हो गया अभी,
ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसकी, तो टीबी बढ़ा है टीबी नॉट से, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी क्या होगा बताओ, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अभी देखो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस। अभी देखो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, देखो ना जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, अरे जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना वेपर बनेगा, जितना वेपर बनेगा उतना प्रेशर पैदा होगा, ठीक ठीक। तो अगर मान लीजिए ये मैं कर्व बना रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है ना, अब वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो बताओ सॉल्यूशन का कहाँ होगा, नीचे के ऊपर, नीचे, नीचे, याद है ना, सॉल्यूशन का नीचे होगा क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया। अभी देखा आरएलवीपी में कि सॉल्यूशन का वेपर कम बना, अब क्यों, क्योंकि बी के पार्टिकल्स वेपर बनने में रोक रहे थे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बना। अब देखो इससे ही प्रूफ होगा, मान लो कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो ये इसका एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, या आगे यहाँ कहीं ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ये किसका है, सॉल्यूशन का यानी कि टीबी, और ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का यानी कि टीबी नॉट, टीबी नॉट। तो बताओ ज़्यादा कौन है, देखो इधर जीरो होता है, ज़्यादा कौन है, टीबी, तो टीबी ज़्यादा है, दिख रहा है ना टीबी नॉट से, मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट इज डेल्टा टीबी, ग्राफ से भी प्रूफ हो गया। और डेल्टा टीबी यहाँ ध्यान दीजिए, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमने देखा है मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर है। तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी प्रोपोर्शनल बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट का इनटू मोलालिटी, मोलालिटी। अब ये जो के बी है इसका नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या भाई, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बड़ा अच्छा नाम। और इसका एक और नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेट हो रहा है ना, और मोलल मोलैरिटी है इसीलिए मोलालिटी है कांस्टेंट, मोलालिटी का बताया मैंने यूनिट मोलल, तो इसलिए मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ना। अच्छा जो आदमी गूंगा रहेगा, आई मीन तोतरा रहेगा, जो तोतरा आएगा मोलल, बोलो मोलर मोलल, मोलल मोलल दोनों मोलल, उसके लिए मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों सेम रहेगी, है कि नहीं, मैं उन पर मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मजा आएगा। मोलल बोलो, बोलो बेटा बेटा मोलर, तो मोलल मोलर मोलल कन्फ्यूज, हालांकि दो दोनों अलग अलग चीज़ है कि नहीं। खैर इसलिए लिख, अगर ऐसे लोग रहे तो लिख के बताना मोलर और मोलर, ठीक है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, बड़ा ध्यान दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, अब मोलालिटी का फॉर्मूला ये डाल दूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सही है। तो देखो नंबर ऑफ मोल हुआ, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे। आरएलवीपी का भी फिर से लिख देता हूं, क्या था आरएलवीपी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स बी मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन, जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, देखो ना ये बोला ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल पे डिपेंड करेगा, डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको और एक्सपांड कर सकते, देखो यहाँ ध्यान दो प्लीज, बोर्ड में आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ये निकालने के बाद आपको मोलर मास के टर्म में इसको निकालना होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास के टर्म में रखना होगा, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे लिख दो के बी इंटू एन का डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और बेटा ये जो के जी में लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया रहता है, इसीलिए डिवाइड बाई थाउजेंड, इसको डिवाइड बाई थाउजेंड करना पड़ता है, तो ये ऊपर चला जाएगा थाउजेंड थाउजेंड, और नीचे क्या आएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए थाउजेंड, सही है।
ये यहाँ चला जाएगा ना, सही है ना। अब ये फॉर्मूला भी आपको दिखेगा, आपको बोलेगा मोलर मास निकालो, आपको के बी की वैल्यू दी रहेगी, मान लो 0.52 या 0.53 दे दिया, डब्ल्यू बी आपको दिया रहेगा, ये 1000 तो है, डब्ल्यू ए दिया रहेगा, मान लो बोल दिया कि 60 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो 60 100, के बी 0.53, टेम्परेचर दे दिया है दोनों का, या डेल्टा टी भी दे देगा, तो ये एम बी आपको निकालना होगा मोलर मास, या मोलर मास दिया रहेगा आपको, इसका वेट पूछ देगा कि बताओ उसका वेट क्या होगा, घुमा घुमा के यहाँ से आपको पूछा जाएगा। क्लियर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना ये चारों क्वालिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस फ्रीज, नो, क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के जब बराबर हो जाएगा तब जाके वो फ्रीज होता है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर से ये प्योर सॉल्वेंट है, याद ध्यान दो प्योर सॉल्वेंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बोलो, टी एफ नॉट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर है तो नॉट, तो यहाँ पे क्या लिख दो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर से उसमें क्या मिला रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो यहाँ पे टी एफ हो जाएगा, ठीक। तो अब बताओ ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, ध्यान दो अभी, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का पहले टी एफ नॉट था, अब टी एफ हो गया, तो ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। पहले सिर्फ पानी फ्रीज हो रहा था, अब नमक पानी फ्रीज हो रहा है, तो टाइम लगेगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया माइनस में, समझ में आया। अरे फ्रीजिंग होना, देखो ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर है। पहले सिर्फ पानी फ्रीज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, पानी और नमक दोनों फ्रीज हो रहा है, तो इसलिए नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं, टी एफ नॉट, ये ज्यादा हो गया, अब ये ज्यादा हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो बोलो टी एफ नॉट बड़ा हो गया किससे, टी एफ से, यानी कि डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सही है। तो अब यहां पे जान दो, अब ग्राफ में आ जाओ, ग्राफ में प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का ये है, ठीक 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 ठीक। अब सॉलिड, मैंने बोला सॉलिड, ये सॉलिड का ना इस तरीके से शार्प होता है, ऐसा कुछ ज्यादा ही शार्प हो गया, ऐसे ऐसे सॉलिड का, ठीक है, ऐसे सॉलिड का, ठीक ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसा प्रेशर जहां पे दोनों का वेव प्रेशर बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड और सॉलिड का बराबर हो जाए उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों का बराबर यहां पे हो रहा है, दोनों को मिलाओ, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाओ, इसको थोड़ा सा और शार्प बना देता हूं वरना गड़बड़ हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड का मैं ऐसे ले लो, ठीक है। अभी यहां पे मिल रहा है दोनों, दिख रहा है, तुम बोले मैंने क्या बोला, इसका वेपर प्रेशर और इसका दोनों का जब बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किसका है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को खींचा है ना, सॉल्वेंट का इसके बराबर हो गया ना, तो सॉल्वेंट का हुआ ना, तो सॉल्वेंट का क्या लिखूंगा, टी एफ नॉट। अब इसको सॉल्यूशन को ले लो, किसको लेके गया, सॉल्यूशन को लेके गया ना, इसको क्या हो जाएगा, ये था टी एफ नॉट, ये क्या हो गया टी एफ, कौन ज्यादा दिख रहा है, देखो ना टी एफ नॉट, वही तो मैंने बोला टी एफ नॉट ज्यादा है, प्रूफ हो गया ना ग्राफ से भी। अरे खेलो ना फिर, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है ग्राफ, समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, तो फिर से के बी की जगह क्या आ जाएगा, के एफ, और इसका नाम हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्या, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। और ये मोलर एलिवेशन था, यहां पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन कम हो रहा है, तो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। फिर से फॉर्मूले में के बी की जगह एफ कर दो, बाकी सब सेम रहेगा, हाँ बस एफ कर दो,
ये क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम अलग कॉन्सेप्ट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले ऑस्मोसिस समझना है। क्या समझना है? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, है कि नहीं। पानी का सफर है ना, पानी का सफर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ है ना, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। पानी का सफर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। देखो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको समझते हैं। बेटा जी दो चीज समझना बहुत जरूरी है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यहां ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। और जब भी अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। देखो ना, एक नमक पानी जिसमें नमक बहुत ज्यादा है और एक नमक पानी जिसमें नमक कम है, तो आप क्या बोलोगे? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जिसमें नमक ज्यादा है, बोलोगे ना ये ज्यादा है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा है कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या? सॉल्यूट ज्यादा होना। तो मैंने क्या किया बेटा जी, दो मैंने सॉल्यूशन, एक ले लिया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, और एक हमने ले लिया है सॉल्यूशन, और दोनों के बीच में हमने एक नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा दिया, झिल्ली, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर, सॉल्यूशन मान लो नमक पानी, तो क्या होगा, क्या होगा, पानी इसमें जाएगा कि सॉल्यूशन इसमें आएगा, पानी इसमें जाएगा या सॉल्यूशन इसमें जाएगा पानी में, तो कोई किसमें भी जा सकता है तब तक जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। यानी कि ये इसके अंदर नमक नहीं है लेकिन इसमें के अंदर नमक आ जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा तब रुक जाएगा। लेकिन लास्ट में कुल मिला के क्या होगा, ये यहां पे मूव कर रहा है तभी तो इसके अंदर नमक आ जा रहा है, कुल मिला के क्या हो जा रहा है, ये इधर मूव कर रहा है तभी तो नमक इसके अंदर आ जा रहा है। तो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मूवमेंट किधर, सॉल्वेंट की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। ये क्या है तुम्हारा, डिफ्यूजन। आप बोल दो नेट मूवमेंट, मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है लेकिन नेट मूवमेंट किधर हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आ रहा है, समझ में, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। लेकिन अगर मैं यही चीज कर दूं इस तरीके से, ठीक, तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब यहां पे मैंने थोड़ा महंगा, थोड़ा खर्च करके लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि उसे सिर्फ सिलेक्टेड चीजें ही जा सकती है। इट कैन ओनली अलाउ द प्योर सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, इसके अंदर सिर्फ पानी जा सकता है, बाकी कुछ नहीं जा सकता। क्या सकता है, सिर्फ पानी जा सकता है, पानी जा सकता है। तो होगा क्या, सिर्फ पानी जा सकता है, तो इसके अंदर पानी और नमक दोनों है, तो क्या नमक इधर आएगा, कभी नहीं, लेकिन क्या पानी जा सकता है, बिल्कुल। तो कुल मिला के इसका पानी इसमें चला जाएगा, नमक तो नहीं जा पाएगा, तो इधर नेट मूवमेंट किधर हुआ, किधर हुआ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये है ऑस्मोसिस, ठीक है, ये है ऑस्मोसिस, और ये क्या है, डिफ्यूजन, कोई बात नहीं, ये ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन, क्लियर हुआ। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, और यहां पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। इसका बेहतरीन एग्जांपल है किशमिश, किशमिश को पानी में रखोगे तो पानी जहां पे रखा है मग के अंदर या बाल्टी के अंदर, उसके अंदर पानी ज्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है, गाढ़ा है ना किशमिश, उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी कहां चला जाता है, किशमिश के अंदर। तो इसका एग्जांपल है ऑस्मोसिस का, याद रखना, हर जगह नहीं होगा, जहां पे ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा वहीं होगा ये, किशमिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हम में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ में आया। तो इसलिए किशमिश का फूलना क्या है, ऑस्मोसिस। अब क्या कर रहा हूं बेटा जी, ध्यान दो,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि सॉलिड ज्यादा है, इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या इसको बोलो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए देखो बेटा जी, दोनों तरफ प्रेशर था, यहां भी प्रेशर पी है, पी एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे एटमोस्फेयर में है, यहां भी प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब मूवमेंट इधर हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है। अब क्या किया मैंने, बाहर से पी एक्सटर्नल लगाया, पिस्टन उस्टन लगा दिया, यहां पे एकदम मस्त एकदम पिस्टन उस्टन लगा दिया, प्रेशर दे रहा है। अब इतना प्रेशर दे दिया कि जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये रुक गया, अब पानी इधर फ्लो नहीं हो रहा है। इतना जैसे पानी आ रहा है प्रेशर रुक दे रहा है, उसको प्रेशर रुक गया बराबर। तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई, क्या बोलते हैं पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये नहीं ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर लगता है, नहीं, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है, द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऐसा प्रेशर जो किसको अप्लाई करने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अप्लाई करते, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रहेगा। अब मान लो गलती से हमने इतना ज्यादा दे दिया एक्सटर्नल कि पी एक्सटर्नल पाई से ज्यादा हो गया, मतलब पी एक्सटर्नल जो पाई था जितना उसको रोकने के लिए चाहिए था प्रेशर, उससे भी ज्यादा अप्लाई कर दिया, उससे भी ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, मूवमेंट इधर होने लग जाएगा, इधर होने जाएगा इस केस में। अब पानी यहां का यहां जाने लगेगा क्योंकि पानी तो जा सकता है, नमक नहीं जा सकता है, तो रिवर्स हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं आर ओ, आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस, केंट वाला। तो बिल्कुल वही होता, देखो यहां पे नमक पानी है, सॉल्ट वाटर। अब आर ओ के जरिए इस सॉल्ट वाटर में सिर्फ पानी जाएगा, तो सॉल्ट और पानी में से पानी बाहर आ गया, सॉल्ट रह गया ना, अरे गंजा गंदा पानी, मान लो गटर का पानी, गटर के अंदर की सारी गंदगी इसमें रह जाएगी और प्योर पानी इसमें आ जाएगा, और यहां से ड्रिंक कर लो उसको, ड्रिंकिंग वाटर। तो यही होता है हमारे इसमें फिल्टर में, यही काम करता है आर ओ। तो आर ओ देखना चाहिए खरीदते समय पानी का फिल्टर, ना कि 45,000 का है, 1,00,000 का है, 2,00,000 का है। अभी जो वो स्टूडेंट है उसके मामा के पास 3,00,000 का है, बोला था मेरे मामा ने 3,00,000 का लिया, इसके मामा है कि नहीं, वो जो लड़का आता है एक, ठीक है 3,00,000। क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है, आर ओ ले लो, आर ओ देख लो बस हो गया, या और अच्छे से प्योरीफिकेशन चाहिए, बॉयल कर लो ख़त्म, बॉयल करके वाटर पियो, टैप वाटर जो आपके घर में आता है वो अच्छा ही आता है, बस उसको बॉयल कर लो ताकि कीटाणु जीवाणु विषाणु सब मर जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली पता चला, याद आने दो, कि जो पाई है, पाई जो है पाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी नहीं मोलारिटी, इस बारे में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलारिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलारिटी, यहां पे मोलारिटी, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी, ये तो हम बचपन जानते हैं, पाई प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाओगे देखो ना, ये बॉटल के अंदर मान लो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या क्या जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ एम और टी, ये हटेगा तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगेगा, आर कॉन्स्टेंट है, आर गैस कॉन्स्टेंट, राफिक कॉन्स्टेंट नहीं, गैस कॉन्स्टेंट आर, ठीक है। आइडियल गैस पढ़े हो ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बिल्कुल वही, ये गैस के लिए था, ये लिक्विड के लिए। अरे मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो पाई बराबर लिख सकते हो एम आर टी, और एम क्या लिख सकते हो एन अपॉन वी आर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, पाई वी बराबर एन आर टी, अरे हो गया पी वी बराबर एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी, है कि नहीं। तो ये लिक्विड के लिए है, वो गैस के लिए था, क्लियर है। इसको और एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है, और एक्सपांड कर सकते हो, कैसे लिखोगे यहां ध्यान दो, ऐसे लिख दो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, अब फॉर्मूला रहेगा तो डायरेक्टली लिख देगा। अब यहां पे तीन सॉल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, क्या आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, खेल खत्म, है ना, आइसो मतलब सेम,
हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, खेल खत्म, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये दो सॉल्यूशन है, एक के अंदर है यूरिया, एक के अंदर है सुक्रोज, एक के अंदर है यूरिया, एक के अंदर है ग्लूकोज। मान लो इसकी मोलरिटी है 0.1 मोलार और इसकी भी मोलरिटी 0.1 मोलार, तो हमने पढ़ा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। देखो अगर मोलरिटी ज्यादा होगी तो पाई भी ज्यादा होगा, दोनों बराबर है। तो अगर यहां ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान दो, एम वन बराबर एम टू के, तो पाई वन बराबर होगा पाई टू के, बराबर होगा ना। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो इफ टू सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर्स देन दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इफ टू और मोर, बोलो टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल 0.1 मोलार ऑफ यूरिया एंड 0.1 मोलार ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। मान लो इसको मैंने अभी 0.2 कर दिया, क्या कर दिया, 0.1 था, अभी मैंने इसको बढ़ा के 0.2 कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं मैं पाई वन छोटा है पाई टू से, बराबर। तो अगर इफ टू सॉल्यूशंस हैविंग नॉट इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर हाइपर और हाइपोटोनिक ऑफ इच अदर, मतलब ये पाई टू जो है वो ज्यादा है पाई वन से, तो पाई टू इज हाइपरटोनिक फ्रॉम पाई वन एंड पाई वन इज हाइपोटोनिक टू पाई टू, पाई टू पाई वन से हाइपर है और पाई वन पाई टू से हाइपो है, छोटा है, समझ में आया। तो ये हो गया हाइपरटोनिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डिफिनेशन आता है, बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन आता है किसका, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर हुआ। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जैसे दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बता रहा हूं मैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, Na+Cl-, जो हमारा NaCl है पानी में जाने के बाद देगा Na+Cl-। ये आयंस में टूटा, डिसोसिएट हुआ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक जो हम एग्जांपल लेते थे ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया सुगर, ये जो भी एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब पानी में जाने के बाद टूटते नहीं है, ये चल रहा है ना, पानी में जाने के बाद ये टूटते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन ये पानी में जाने के बाद टूट रहे हैं, क्या कोई बात नहीं, चल रहा है ना, चल रहे तो ठीक है। तो पानी में जाने के बाद यहाँ देखो, पानी में जाने के बाद वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी यहाँ ध्यान दो, ये वन मोल है, वन कुछ नहीं तो वन, ये भी वन, देखना भाई वन, और ये भी वन। तो पहले डिसोसिएट से पहले कितना था, वन मोल, और डिसोसिएशन के बाद टोटल कितना हो गया। मैंने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कितने मोल है, कितने मोल है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा वो फॉर्मूला सही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही नहीं होगा, दोगुना बढ़ गया, कितना, देखो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर नहीं हुई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जो कैलकुलेट किया था हमने उससे दोगुना ज्यादा आएगा आंसर। NaCl के केस में इससे क्या होगा, दोगुना ज्यादा आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां ध्यान दो, आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, और बोलो बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे, उसी को हमने बोल दिया आई, जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ ने बताया कि भाई क्या हो रहा है, वो दोगुना बढ़ जा रहा है, तो दोगुना कैसे बढ़ जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का मोल निकाल रहे हैं। तो पहले कितने मोल थे डिसोसिएट के बाद, कितने मोल है, दो, और पहले कितने थे, वन, तो आई क्या आया, टू, तो आई टू मतलब क्या, दो गुना ज्यादा हो गया, दो गुना ज्यादा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, समझ में आया आई। तो जो फॉर्मूला था हमारा RLVP का क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, क्या कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, क्या था हमारा EVP डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, क्या कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गुना ज्यादा हो गया, वो लिख दो, हाँ भाई DFP, बोलो भाई, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I, अरे भाई साहब OP बोलो, OP पाई इज इक्वल टू MRT इंटू I, कितनी बार आई,
एक ही आई है, ठीक है आई। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, आई से, वही फॉर्मूला रहेगा, बस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा आई वन के बराबर होगा, इसलिए हमने आई लिया ही नहीं, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं, वन मोल रहेगा, वन मोल टूटने के बाद भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे टूटने के बाद ज्यादा हो जाएगा। याद रखना कि अगर वो डिसोसिएशन हो रहा है, अगर वो डिसोसिएशन हो रहा है तो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। और अगर एसोसिएशन हो रहा है, बेटा डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, नीट में तो पढ़ना है आपको लेकिन बोर्ड में नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं कि अगर एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू वन से छोटी होगी। एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड, एग्जाम्पल जितने भी एसिड है, बेंजोइक एसिड या बेंजीन के सॉल्यूशन या कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी ले लो, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ जगह की किल्लत है CH3COOH, देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, अब CH3COOH प्लस CH3COOH, ठीक है, इन्होंने क्या बन दिया, बन गया ये एक बन गया, ये एक बन गया, दोनों जुड़ के एक बन गया, इसको बोलते हैं डाइमर। तो पहले कितने मोल थे, देखो ना एक और एक दो मोल, और अब कितने हो गए, एक मोल, तो कम हो गया ना, कम हो गया ना, आधा, दो का एक आधा, तो आधा मतलब 0.5, आई की वैल्यू क्या होगा 0.5, एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, आई आधा हो गया ना, तो आई कितना गुना कम या कितना गुना ज्यादा, डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू वन से ज्यादा होगी, एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू वन से कम होगी। क्लियर हुआ वांटा फैक्टर पक्के से? तो वांटा फैक्टर में क्या करना है, जो भी हमारी क्वालिटी प्रोड्यूस को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आई से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांटा फैक्टर। डिसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, उसके लिए तिक्रम दिक्रम बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, दैट विल बी इनफ, बस एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। देखो अभी मान लो ये तुम्हारा Na प्लस NaCl टूटा किसमें, Na प्लस Cl माइनस में, देखो पहले इनिशियली कितना था, एक मोल, इनिशियली कितना था, एक मोल, बाद में जीरो जीरो, फाइनली बोलो बाद में कितना, मान लो अल्फा गया, अल्फा गया वन माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, तो आई क्या है, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर क्या है, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, बिफोर क्या है, वन, तो बोलो अल्फा अल्फा मर गया, क्या बचा, वन प्लस अल्फा, और अल्फा अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूटा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे 100% टूट रहा है, तो 100% टूट रहा है मतलब क्या, अल्फा वन, तो वन प्लस वन टू आया, देखो आई की वैल्यू टू थी, है ना। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला बना देते हैं ताकि डर उड़ जाओ, मर उड़ जाओ, लेकिन ना डरना है ना मरना है, काम करना है, है ना, कुछ भी सर है, कुछ भी करने का। चलो बाय द वे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बोर्ड्स के हिसाब से तो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।